अजीजों बुजुर्गों, जिस तरह उठ चले हो तुसी सरापा मुंतजर हो, इस तरह मैं भी हजूर किबला अली बाबा का इंतजार कर रहे हैं। और अली का इंतजार करना इबादत है नहीं समझे? नहीं, मैं तो जी खुतबा ही नहीं पढ़िया, मैं तो मजाज न कुछ पढ़ांगा थोड़ी जी देर, फिर खुतबा पढ़ांगा। अली का इंतजार करना नमाज पढ़ो इबादत, रोजा रखो इबादत, पौने 2 लख लाओ हज करो इबादत, अन नजरों अला वजह अली यानी इबादत, अली का मुंह वेखो इबादत। समझ आई? सुहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर साडा जमाना ही ना रवे कैसे अली नू वेख सकीए? फरमाया जिक्रो अली यानी इबादत, अली अली कर लिया करो ये इबादत है। कमली वालिया अगर अली का जिक्र करना भी जुर्म होए, फरमाया हुब्बो अली यानी इबादत, एदे नाल प्यार दिल विच रखो फिर भी इबादत है। तो चूंकि अली बाबा अली की औलाद ही चोने, हाँ मैं खुद उन्हों का बड़ा अकीदतमंद हाँ, मैं भी तुहाडे वांगू मुंतजर हाँ। मेरे अजीज, मैं चूंकि नावां तो मुतारफ नहीं, पहली दफा इस इलाके च हाजिरी का इतफाक होया, और यकीनन तुहाडे चो अक्सर बेशतर ने मैनू सुनिया होगा, अगे नहीं पहले ही मौका जिन्ना सुनिया जरा हाथ खड़े करो। अच्छा जी, इहदा मतलब मैं अजनबी नहीं, दूध पढ़ो नबी साहब ते। मेरे जुम्मे तुहाडे खतीब ने, क्योंकि मैं हमेशा मनदा ओदी होना जिन्हें मैनू सद्या हो, जिहड़े मेरे मेज़बान ने उन्होंने जुम्मे लाया कि अज तक किसे नहीं पढ़िया, तू हुसैन दे नाने दे मत्थे ते सेहरा बन के वखा। नहीं नहीं नहीं, हुसैन दी नानी मैं तेनू दुल्हन बनी वखानी है, और हुसैन दा नाना घोट बने आया है मूड। जिंदगी च पहली बारी अगर किसे पढ़िया होवे ते मैं उहदियां जुत्तियां चुकन नू तैयार हाँ, खतीजा नू ते लोकी छेड़दे ही नहीं। आ तेनू अज वखाना है कि हुसैन ते हुसैन है, अज जिदा मैं जिक्र, अज तो मैं खुतबा ही नहीं पढ़िया, अज मैं जिदा जिक्र करना है, चौथा इमाम यजीद दे दरबार च खलो के तारफ करांदा है, कोई किसे दा पुत्र है, कोई किसे दा पुत्र है, अनबनो खदीजा तल कुबरा, मेनू वेख यजीद, मैं खदीजा तल कुबरा दा बेटा। नहीं मूड खराब करोगे तो मैं किराया तो नहीं आया, मैं पढ़ना ही नहीं, मैं तो जिंदा लोगों का बयान करन दा शौकीन हाँ। खुतबा पढ़न तो पहले 1-2 रुबाइयां मेरा दिल कर दिया ताकि तुहाडा मजाज थोड़ा जा, यार टूटियां थोड़ियां फेर नहीं सकता, ये डायरेक्ट मेरिया अखां दे फिट कर दित्तियां। तू वीडियो बनाने वाला बंदा जिहड़ा है ना, इहदा तरीका ही होंदा, चूंकि पूरे पाकिस्तान नहीं दुनिया च मैं जाना, इहनू घुमाया करो ताकि सवेरे वेख के जदों वीडियो वेखे तो अगला कहे काके दी अम्मा ओ मैं भी विच बैठा। हाँ यही नीरा मौलवी का जिम्मे रिमांड लिया तो कल ही फिट करके बह जाओ, इन्होंने भी विखाओ जेडे बेचारे कितों कितों सर्दी चल के आए ने। ये दुनिया ये हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है। मैं अजे खुतबा नहीं पढ़िया, मैं जो पढ़ना है मैं सिर्फ तेनों तैयार कर ला। 1 रुबाई नबी दी, 1 रुबाई अली दी, 1 रुबाई शब्बीर दी, ते फिर खुतबा। जे मूड है तो हाथ खड़े करो, मैं पता लगे जाग दे क्योंकि थके हो तुसी। हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, ये दुनिया मेरे नादार के कामों के लिए है। जागो निके निके बच्चे अगे बिठाए जे की सुन गए मैनू, मैं तो इलम की दुकान खोलनी है इन्ह बच्चों, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरे मजाज के खिलाफ है, निके निके बच्चे साइड से करो, जवान वड्डे अगे आओ ताकि मैं जिसने नुकात बयान कराए, निके बच्चे मैनू वेख के मैं रुक जाना, मैं नहीं तकरीर करनी जिन्ना चिर छोटी कौम अगे बैठी रही, इन्हों पिछे भेजो साइड पर भेज दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे 45 लख नारा हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੁਬਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਆਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ, ਜੇ ਹਰ ਸੁਭ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੱਗ, ਹਰ ਸੁਭ ਮਕਾਫਾਤ ਕੀ ਸ਼ਾਮੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਦਾਰ ਕੇ ਕਾਮੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਦਾਰ ਕੇ ਕਾਮੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਸਤਾਖੇ ਨਬੀ ਕਾ ਠਿਕਾਨਾ ਹੈ ਜਹੰਨਮ, ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਉਨ ਨਬੀ। ਅਲੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਐਵਲੇਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਜਿਹਾ ਮੁਕਰਰ ਹਾਂ, ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋੜ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਪੂਰੇ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਸੈਯਦ ਦਾ, ਸਵਾਏ ਅਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਕੀਬ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। 70 ਕਾਫਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਬਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕਾ ਆਇਆ, ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੁਬਾਈ ਸਮਝੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੌਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਾਗਣ ਆਇਆ। ਨਸੀਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਨਾ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਗੋ ਭੱਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਾਊਂਗਾ ਭਾਗੋ। ਫਿਰ ਸਮਝ, ਉਹਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਰਾਏ ਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਸੁੱਤਾ। ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਾਊਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦੌੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਬਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੀ, ਅਗਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੋ ਰਹਿਮਤ ਯਜ਼ਦਾਨ ਥਾ ਯੇ ਕਹਿਰੇ ਜਲੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀ ਮੈਂ। ਵੋ ਰਹਿਮਤ ਯਜ਼ਦਾਨ ਥਾ ਯੇ ਕਹਿਰੇ ਜਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਵੋ ਰਹਿਮਤ ਯਜ਼ਦਾਨ ਥਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਮੌਲਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਵੋ ਰਹਿਮਤ ਯਜ਼ਦਾਨ ਥਾ ਯੇ ਕਹਿਰੇ ਜਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਧਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਵੋ ਰਹਿਮਤ ਯਜ਼ਦਾਨ ਥਾ ਯੇ ਕਹਿਰੇ ਜਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਅਗਰ ਜਾਨ ਬਚਾਨੀ ਹੈ ਤੋ ਭਾਗੋ, ਓਏ ਸਮਝੇ ਥੇ ਜਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੋ ਨਿਕਲਾ ਅਲੀ ਹੈ। ਨਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ। ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ।
اگے سن آخری ربائی اور میں خطبہ پڑھا. کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. آ دو شاعر ہوئے نے انڈیا چ, کیونکہ میں دین نالوں دنیا دی تعلیم زیادہ پڑھی. کھرے کنے کو ایم اے کیتے نے تے کنا سال پڑھایا, ہن تے ریٹائر ہو گیا. اسی لیے مولوی کیلن دا مینوں دا آؤں دا. سن غور دے نال, دو شاعر ہوئے نے, ایک سید ایک غیر سید. سمجھ آؤں گی بھی تہن. سید دا نام میر انیس ہے. اسی تے میر مراسی نو آکھ دینا, انڈیا وچ میر سید نو آکھ دینا, میر صاحب یعنی سید بادشاہ. میر انیس اور دوسرا دبیر, مرزا دبیر. یہ دو شاعر ہوئے نے جڑے بی ایچ بھی پڑھدے پڑھائے جاندے نے, ایم ایچ بھی انہاں دے قصیدے پڑھائے جاندے نے. جڑا ببر علی انیس ہے یہ سید ہے, جڑا دبیر سلامت علی یہ غیر سید ہے. سید انیس میر انیس اے اثر دے ٹائم اپنے کمرے چ بیٹھا باہر سین چ, تے سج نو لاندا ہویا دیکھدا پیا. او بہ جاؤ بھائی, سج نو غروب ہوندا ویندا پیا. میرے تے یا بہن تے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس اثر دا ٹائم اے دیکھدا پیا پی سورج. میرے نال دیکھو, تسی سج آکھدے ہو نا سورج, تے سمجھدے ہو سورج. اردو چ خورشید آکھدے نے, سرائکی چ سج آکھدے نے, پنجابی چ سورج آکھدے نے, انگریزی چ سن آکھدے نے, عربی چ شمس آکھدے نے. کچھ تے سمجھو. سورج نو ڈٹھا دیکھدیا دیکھدیا سج لے گیا. سوچی پہ گیا پی سورج ہنے تے ودائی کتھے گیا. جے حسین سننا تے توجہ میرے ال کریا جی. ویکھدیا ویکھدیا ان کاغذ تے قلم چکیا, سو گیا. چھوڑ پرا سانو کی. دوسرے دن اگزیکٹ اسی ٹائم پھر بہ گیا, سج دیکھدیا دیکھدیا غروب ہو گیا. اخیر نہ رہ سکیا, شاعر سی نا, کاغذ تے قلم چکیا اور کہن لگا بھی ربائی لکھا سورج دے ڈبن تے, اور پوچھدا اپنے آپ تو خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. ہاتھ کھڑے کرو جنوں سمجھ آ رہی ہے. جدوں دن ڈبدا ہے تے سج بولے بولے اپنی بولی جی کدے جاندا ہے. اے خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. اے سوچیا ان اگلا مصرے تے چاروں تے روبائی بندی ہے نا, اگوں آیا نہیں. تو سوچ دا اتنا وڈا میں شاعر, ایک سج کولو میں رہ گیا, ایکو مصرا آیا تے باقی تین کوئی نہیں آئے گئے. شرم دی پاروں سو گیا. صبح اٹھیا نا سید بادشاہ, تے گلی چ نکلیا تے اگوں دبیر ٹریا ہوندا, اوہی چوٹی دا شاعر. دوواں دا کراس ہویا. ہن حسین سن آیا, دیکھ میں تینوں مثال سمجھا رہا. کراس ہویا, رکیا. میر صاحب کیا حال ہے یہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں؟ کہنے لگا میں نے ایک ربائی لکھنی تھی, ایک مصرا کہہ سکا, باقی کچھ نہیں بن پایا. وہ گلی چ رک گیا, پوچھ دے ارشاد کہیں دے میں کیا ہے. پھر سن, ادا نا ہے انیس, ادا نا ہے دبیر. آندا ہے خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. انہیں وہ بول کے کہ امیر صاحب معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. اللہ میں ایک قصور تہاڈے مولوی دا, میں شہری مولوی ہاں, مینوں انہیں سد لیا. تہانوں چاہیے سی کوئی دیسی ہوندا. تہانوں سمجھ نہیں آ رہی اے سید نے کی کیا. خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. انہیں ہن میں ویکھنا اٹھ کے داد سید نو کیڑا دیندا تے بیندا کیڑا, لیکن سن کے ربائی خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. وہ کہندا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. کہندا بھی تو ہی ربائی مکمل کر دے. انہیں کہا مصرا پھر پڑھ, میں پوری پڑھا. سید نے پڑھیا خورشید. میرے دیکھو جناب, میں اجے بھی سونا 65 سال دا ہو کے بھی. خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. وہ کہندا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. اوہ مغرب کی جانب ہے مزار شبیر, یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی, پیر سید محمد علی نجم نشائی صاحب. آخری جملہ اور خطبہ شروع. میرے نبی دے دو ویاہ ہونے نے. سبحان اللہ دے گئے. ایک دنیا چ شادی ایک ہوئی ہے, نکاح دس ہوئے.
नहीं समझ आई। शादी मुहम्मद दी एक कोई है और निकाह दस होए ने कुल ग्यारह मोमना दियां मावां। समझ समझ हर उम्मल मोमिनीन नू मैं तेनू तैयार करन दिया खुतबे तो पहले ग्राउंड तैयार हो जाए। समझी जाहल भी दाद देवेगा। हर उम्मल मोमिनून नू मुहम्मद व्याया होया मिले है। हुसैन दी नानी दे मुकद्दर वेख जिनू मुहम्मद कवारा मिले है। ये मेरे ख्याल मैनू नहीं समझ दे, समझ रहे हो? हुसैन दी नानी नू और अज मैं कुवारे मुहम्मद दा सुनोगे सरकार दा व्याह? अब बोलो तो सही। हाँ आज बीबी पाक दी मैं शान पढ़नी है और इंशाल्लाह अजीज जिदी मैं शान पढ़ने ली बैठा हर उम्मल मोमिनीन इस्लाम दे खजाने चो पैसे लैके पलदी रही है। नहीं अपड़े जिन्हें सिर हिलाया तेनू वाह। दस उम्महातुल मोमिनीन इस्लाम दे खजाने चो पैसे लैके पलदियां रही ने। कुर्बान हुसैन तेरी नानी तो जिदी दौलत इस्लाम पलदा रहे। कोई समझ आई है? मैं तेन तैयार कर रहा ताकि तेरा जेहन जरा तैयार हो। और अगर हूँ समझ आ गई जे मैं दसना है तेन हुसैन दे पाक नाने दे मत्थे ते सेहरा किवें बजा और घोट बन के मुहम्मद घरों किवें निकलिया। क्योंकि जे नहीं तो मैं मिलाद पढ़ देना। बोलो की पढ़ा? और शादी सुननी है मिलाद पढ़ा? मैनू तुहाडी कोई समझ नहीं आई। जे शादी सुननी है तो फिर एक नारा एहो जिहा सुनाओ कि मेरा दिल खुश हो जाए। उठ गए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली या नबी या नबी। नहीं एक मिनट एक मिनट इत खड़ा खड़ा रह यार एक मिनट खड़ा रह। हूँ मैं तुम्हें एक मशवरा देना ये नारा फिर लुआएगा जो जन्नती जन्नत टुर जाएंगे। अल्लाह एक जन्नती कहेगा कुम स्टैंड अप खड़ा हो जा वो खलो जाएगा तो अल्लाह पूछेगा बोल तेन जन्नत कितनी दया। अल्लाह मेरिया सुनिया हुई गल् मेरे को सुनोगे कितनी जन्नत दया। वह कहगा मालिक जितनी तेरे कर्म वुसत। अल्लाह कहेगा मैं कर्म नाल तेन जन्नत लै आया हूँ पसलियां दे जोर ते जमीन घिननी है तू। वह कहिंदा मैं समझिया नहीं। अमर अल्लाह अब्दन फल युना दे या रसूल अल्लाह फकाता उल्ला दारा बिसाते नदाई। अल्लाह कहेगा उठ के खड़ा हो जा पसलियां ते रख हाथ जिन्ना मां खीर पिवाई जोर ला के कह या रसूल अल्लाह। ओ लाएगा नारा अल्लाह जबरील नू कहेगा काता उल्ला दारा बेसाते नदाई जिथों तक या मुहम्मद दी हकल जांदी ए दे महल दियां कंधा खड़ियां कर दे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अली दा नारा मैं लुत्फ नहीं आया ये तुसी सही नहीं लाया ना तब हाँ। या अली जब तो मेरे घर का दरवाजा खुले बस भाई ज्योदार मेरे घर का दरवाजा खुले तो कर दे ची चा चढ़ाक इवें जदो जन्नत का दरवाजा खुलद निजामुद्दीन औलिया कहिंदा है वो कहिंदा अली 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 अली। मेरा ध्यान रखो जनती जन्नत अजे मैं खुद भी नहीं पढ़िया जनती जन्नत के दरवाजे ते आ जाएंगे ते कहेंगे मालिक दरवाजा खोल अंदरों रिजवान कहेगा चाबी ला रिजवान कहेगा चाबी ला। वो कहेगा मैं चाबी तो दुनिया चो कोई नहीं लैके आया। उन्हें कह एक बारी कह अली अली नाराए हैदरी अली। जाग पायो कुछ हूँ मैं महसूस होया भी तुम सुनोगे दरूद पढ़ो नबी जात ते मैं खुतबा पढ़ा। मैं नबी दा मिलाद अरबी दे खुतबे पढ़ जाना है और फिर शादी। एक खुतबा मैं मदीने पढ़िया अबू जाबी पढ़िया मस्कत पढ़िया तुहाडे पाकिस्तान भी मुख्तलिफ जगह पर पढ़िया और ये मैं ही पढ़दा दुनिया सुन दी है लेकिन ये समझ के सुभान अल्लाह कहिंदा जाई कि मेरे मुहम्मद दी बोली है। और ये जड़ा मैं खुतबा लगा पढ़ने मैं नहीं खड़िया ये उस दी जबान चो निकलिया याद सैयद कीती बैठाई जिदे नां दियां यारियां दवाना है।
अजे समझ नहीं आई। नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी रूहुहु नुस्खतुल अहदियाति फिल लाहूत कल्बुहु खजानतुल हय्यिल लज़ी ला यमूत ताउसुल किबरियाए व हम्मामुल जबरूत जसदुहु सूरतु मानिल मुल्क वल मलकूत अल्लज़ी हुव फालको सुबह अनवारिल वहदानिया व तलाते शम्सिल असरारी रब्बानिया व बहजते कमरिल हकायकी समदानिया व तूरी तजल्लियतिल एहसानिया व अर्शे हजरतिल हज़रातिर रहमानिया इन्ना मौलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबसहु कमीस अल इज्जत व सरावा इल अल इफ्फत व नाल अल करामत व तब्बा जो बिताज अल जलाल व अलबसो बि खातम अमरी फी इसबई वरदाओ बिरदा अल अजमत व सतरु बि सबीन अल्फ सतर व हिजाब सुम्मा अनजल फी शराइफ अल असलाब व कराइम अल अरहाम इला अन अनजल फिल अरब इन्ना मौलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरन फी सिरन मस्तूरन बे सिरन ले सिरन ब्ले सिरन गौस आंदा है मेरा नाना एक राज बन के आया ए राज राज दे विच आया दो राज तीजे राज छुप के आए ए तीन मिल के चौथे राज दे नाल नाजल होए जेड़ा चौं राजाएं च लुक के आया मौलवी किवें दसे किवें आया है जागो जे सुनना जे ते इन्ना मौलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरन फी सिरन मस्तूरन बे सिरन ले सिरन ला यालमु आलिमुन वला युद्रिकु मुद्रिकुन वला याकुलुल आकिलून सुबहाना रब्बे का रब्बिल इज्जत अम्मा हाथ खड़े करके अम्मा قال الله جل شانه في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود نبی دی ذات تے پڑھو سارے رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ تھوڑی جی ابتدا دی تمہید سن لو جدی میں شان بیان کرنی ہے मैं ऐत पढ़ी मैं तर्जमा नहीं अजे किया तवज्जो मेरे अल ताकि अली बाबा साईं दे आउंदे तक जमीन तैयार हो जाए। हुसैन ते हसन दोवें वीर ने कूफे च शोर पै गया कि हसन नूं तकरीर करनी नहीं आउंदी शर्मील है। अली पाक आए घर फरमाया बेटा या बुनैया अल हसन बेटा हसन समझ आंदी मेरी बोली दी बेटा हसन अज जुमे की नमाज होएगी कूफे च मैं होवांगा सामे तू होवेगा मुकर्रर नहीं समझ आती तो मैं इजाजत दियो मैं वेले ना सफर मुकावा अपना मैं बह के सुनागा तो तू खुतबा देगा। हसन कंब के कहिंदा बाबा बाबा तू इलम दे शहर दा दरवाजा मैं तेरा पुत्र मैं खिताब किवें करांगा तू सुन रहा हूं फरमाया मैं ते जरा छुप के बह जाऊंगा तू बोल बाबा जिद क्यों कर दे फिकरा सुन सही अदा बाबा जिद क्यों कर दे फरमाया जिद इसलिए कर दा मैं ही ते वेखा मुहम्मद दी जबान चूसन दे विच असर किन्ना है। मैं तेन अतरा साहब आ गए हाँ जी लो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जनाब मैं बंद हो गया हुजूर नाराए तकबीर नाराए रिसालत सारे दोस्त भाई आराम नाल इवें बैठे रहो पीर साहब ने स्टेज ते आना नाल ज़ियारत भी करया अरस्त अमन नाल बैठे रहो इवें महफिल दे तकद्दस नूं सामने रख के इत्थे हुजूर आ जाणगे सारे ज़ियारत करे जे उठन की कोशिश कोई बंदा ना करे बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी आस्ताना आलिया कुतबिया तमाम दोस्त भाई बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो बैठ जाओ सारे दोस्त बह जाओ बड़ी मेहरबानी बह जाओ इंतजामिया कमेटी वाले भाई कितों दे हो एलए तुलम बेजी अच्छा
जनाब जिगर गोशाए कुतबुल अख्ताब हजरत पीर सैयद कुतब अली शाह साहब के साहबजादे के लख्त जिगर नूर नजर पीर सैयद अली बाबा साई साहब तशरीफ लाए हैं। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। जनाब सैयद कुतब अली शाह साहब के लख्त जिगर हजरत साई अली बाबा साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से इस मुबारक महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाल्लाह। तमाम दोस्त भाई बैठ जाओ। बराए मेहरबानी सारे दोस्त बैठ जाओ। इंतजामिया भाई तमाम अहबाब तशरीफ रखो, सुकून दे नाल बैठ जाओ। थोड़ी बड़ी मेहरबानी, बैठ जाओ। जिगर गोशा है कुतबुल अख्ताब नू वेलकम करो, खुश आमदेद करो। देखो रे सखीरी मोहे पिया घर आए, बाग लगे मोहे आंगन को, अपने पिया के बल बल जाऊं, चरण लगा जिस निर्धन को। खुश आमदेद को पाकां दी ज्यारत करनी भी इबादत है, और मेरी ये खुश नसीबी है कि इतने बड़े आस्थाने दे सजादा नशीन उन्हां दे लखते जिगर हजूर किबला सैयद अली बाबा साईं मैं जिंदगी पहली दफ़ा ज्यारत की थी, और ये मेरी खुश नसीबी है। मेरे नाल नाल तुहाडी भी खुश नसीब। हजूर इजाजत है मैं कुछ अर्ज करा जी। अगर खामोशी इख्तियार करो तो मैं कुछ मैं मेरे दोस्तों अर्ज कर रहा सा, आगाज का जुमला बयान करके मैं अपने खिताब का आगाज करा, और पढ़ना मैं उन्नी देर ही जिनी देर तक तुहाडा शौक ताजा रहा। चूंकि सैयद बादशाह आए, मैं खुद सैयद हाँ, लिहाजा सैयद की गल तो ही मैं स्टार्ट कर रहा वहां। ए दो बेटे अली दे हसन ते बोलो सारे हुसैन, कूफे च शोर पै गया कि हसन शर्मीला ने इन्हों खिताब आंदा नहीं। मौला मुर्तजा बाहरों आए, फरमाया हसन बेटा अज कूफे की मस्जिद खुतबा होएगा, मैं बैठ के सुनागा और तू खुतबा देगा। मौला बाबा तेरे होंदे मैं, फरमाया हाँ मेरा हुक्म है। हसन मस्जिद चाहे आके इवें हाथ जोड़ के ना निके निके, फरमाया बाबा मेरा मजमून की है। अली ने फरमाया अपने खानदान की तारीफ करनी है। मैं पहला जुमला तो तकरीर शुरू की थी, पहला फिक्र ही बोल रहा। हसन आए मिंबर ते छोटी जी उम्र है शहजादे दी, और मैं वो जुमला बोल रहा, खुतबा बड़ा लंबा है, मैंने याद मैं सिर्फ दो फिक्रे पढ़ने ने। आके कह या लकूफा लौ कुन तो बेहाजल मकाम हौलन फहौलन वअस्कुर मा आतान अल्लाह मिन अल फजल लमोसी। ओ कूफे वाले हो, अगर मैं इस मकाम ते खड़ा होके कियामत दी सुबह तक, तवज्जो मेरे अल, कियामत दी सुबह तक अपने खानदान दी तारीफ करदा रवा, हसन दी उम्र खत्म हो जाएगी, मेरे नाने दी शान खत्म नहीं होनी। अनबनो लमचाद वर्जी जवात इस्मत वसदात। एक फिक्रा पढ़िया सैयद, फरमाया मेरे खानदान दा हर फर्द मजीद है, मेरे खानदान दा हर फर्द मजीद है। मेनू मजीद ही तीन नजर आए ने, या कुरान मजीद, या अरश मजीद, या हसन दा खानदान मजीद। समझ आई जी? इन्ना आ तो ए ना कल कौसर। बस तमहीत दो मिनट, और उस तो बाद जेड़ा मेरा मजमून है, जेड़ा तुसी मेरे जुम्मे लाया, मैं उधर आ जाना। तवज्जो मेरे अल, इमाम उलंबिया दे सेहने च पहला फुल खिड़िया, ना ए कासिम, मेरे नबी दे पहले बेटे दा नाम की कासिम। कुछ दिनों तो बाद पाक नबियों नू, ए मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा ना, कॉलेज का प्रोफेसर रहा इस वास्ते तेनू समझाने की कोशिश करांगा। अपने पट ते बिठाया, बिठा के मेरे नबी प्यार पै करदे ने अपने पहले बेटे नू। अल्लाह ने कहा जबरील महबूब साडा होवे प्यार वंडे पुत्र नाल, मलकल मौत जा रूह कबज कर। जनाबे कासम दी रूह कबज हुई, मेरे नबी ने इवें अपने बेटे दी
हाथ च रखी बॉडी, इंज वेख के क्या तेरी मर्जी दे तेरी मर्जी ले। पहला बेटा चला गया, दूसरा बेटा पैदा होया, ना रखिया अब्दुल्ला। बस सिर्फ ग्राउंड दो मिनट लगन गए, अब्दुल्ला। रसूल उस तरह लोरी पे देंदे ने अपने बेटे नूं, ये हुसैन दा मामू जे, ये हसन दा मामू है, प्यार पे करदे ने। अल्लाह ने कहा मलकल मौत जा, रूह कबज कर। अब्दुल्ला दी भी रूह कबज हुई। मेरे नबी निकले बार करो खाने काबे चाहे तवाफ कीता, आसमान अल के वेखिया कि ए बेनियाजी ओ भी साडे नाल दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। दो पुत्र दिते, दोवें ले ले। हुन अल्लाह ने क्या घबरा ना, इन्ना आ, क्योंकि सैयद आया, मैं सैयद ही पढ़ना है। इन्ना आ तो ना कल कौ सर, हबीब घबरा ना, अगर मैं दो पुत्र ले लेने एदे बदले मैं तेनू कौसर दिती है, जिन्हू फातमा कहते ने, तेरी नस्ल फातमा ही चो चलेगी। जा जी इमाम अंबिया दा देखो, कुल कायनात दे हर मर्द दी नस्ल पुत्री चो चलदी है, लेकिन मेरे नबी दी नस्ल बोलो इब्तदाई फिक्र नहीं बेटी चो चली। और इस नस्ल दा जरफ कौन बनी, अम्मा खदीजा तुल कुबरा। जागी अम्मा खदीजा तुल, बोल जाग के बोल, अम्मा खदीजा तुल कुबरा। मेरे नबी ने जमीन ते तीन लीकां चार लाइना खिंचियां, फोर लाइन्स लाइना ड्रॉप करके मेरे नबी ने क्या चार औरतां रब ने रूए जमीन चो चुनिया। सुहाबा कराम ने क्या कमली वाले केड़ी केड़ी, फरमाया नंबर वन मरियम, मरियम बिनते इमरान ईसा दी मां। नंबर दो आसिया बिनते मजाहम फिरौन दी बीवी। नंबर तीन खदीजा बिनते खवैलद मेरी बीवी। ते नंबर चार फातमा बिनते मोहम्मद मेरी बेटी। किनिया हो गईया बोलो बोलो, नंबर एक मरियम, नंबर दो आसिया, नंबर तीन खदीजा, नंबर चार फातिमा। मैं एक साल काली दी दुनिया तहकीक च रहा कि दू दा तल्लक ते मेरे नबी नाल है, खदीजा बीवी है, फातिमा बेटी है, ऐ दो क्यों मेरे बारे च ना आया। आखिर मैं साल दी तहकीक तो बाद किताब विच पढ़िया, जदों जन्नती टुर जाणगे जन्नत च, कहणगे मालक मेहमानी कर खाना दे, अल्लाह कहेगा जबरील मुहम्मद नू घोट बना के लिया। हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह, मुहम्मद नू घोट बना के लिया और मरियम ते आसिया नू दुल्हन बना के लिया। इन्हां दुआ दी शादी कर मेरे मुहम्मद दे नाल, और ओदी शादी दे वलीमे दी खुशी च पहला खाना जन्नतियां नू दिता जाएगा। एदा मतलब ए चौआं दा तल्लक मेरे नबी नाल, एक दुनिया च बीवी, दो जन्नत च बीवियां, और एक बेटी। कुछ गल समझ आई। खदीजा तुल कुबरा तमहीद खत्म, इना टाइम नहीं, हजूर बड़ी दूरों आए, खुद थके हुए ने। मैं चाहना कि जो जड़ा मजमून है मैं नू जल्दी शुरू करा। ए ओ खातून ए मक्के दी, हुसैन दी नानी, 80,000 ऊंट दी मालक, 400 गुलाम हर वेले तैयार हथ बन के, सुभान अल्लाह कहते जाओ, पूरा मक्का ए दी कोठी च समा जाए, और हजार आदमी एक वक्त सहने खदीजा च बैठ के खाना खाए। इनी अमीर दा अमीर अमीर ओ कबीर खातून, और लकब सी मलीका तुल अरब, अरब दी शाहजादी, अरब दी शाहजादी। बस तमहीद खत्म, काम शुरू। रात नूं सुती है अपने महल ते, ते ख्वाब पी वेंदी है, आसमान तो चन टुटिया, जागी आसमान तो चन टुटिया, और बीबी दी आके गोद च डिगे है। बीबी ने कोशिश की थी इनू मैं सीने ना लावा, लेकिन उस चन दी रोशनी पूरी दुनिया जगमगा उठी। बीबी सुबह दे टाइम उठी, जरा समान लगा बीबी खदीजा तुल कुबरा सुबह सवेरे उठी, आपने अपनी कनीद नूं फरमाया नी नफीसा मैं राती ख्वाब डिठ,
उन्हें क्या मो एक खातून की खाब डिठाई मेरी माल का फरमाया मैं डिठा आसमान तो चन उतरी है ये मेरी गोद चाया मैं अपनी गोद जम्मन तो इला सदरी मैं सीने नल चन दी रोशनी कायनात च फैल गई आनफीसा मेरे नाल दोवे चलिए वरका बिन नौफल को खाब दी ताबीर पुछ गए आई समान लगवा खड़े कर गए समझ आ रही गल दी अगे अगे हुसैन दी नानी मगर मगर कनीज नफीसा जादूरों डिठा वरका बिन नौफल इदा ना तुसी छेवीं जमात दियां दीन यातां च पढ़िया वरका बिन नौफल ने डिठा मल मलिका तो रब आ गई उठ के खड़ा हो गए आहलन व सालन मरहबा या मलिका तो रब बिस्मिल्लाह किवें आयो मेरे सेने च फरमाया वे वीर वरका मैं राती खाब डिठे मैं सुती पई हां आसमान दा चन मेरी गोद चा के डिग आई मैं इवें अपने सीने दे नाल आए भी मैं हैरान हो गई हां मैं छुपानी हां ओदा नूर कायनात च फैल गया तीन वारी उठिया वरका तीन वारी बिठा कहन लगा रब दी शहजादी अगर ख्वाब सही डिठई फिर नबियां दे सुल्तान दी बीवी बनन वाली जागो सुभान अल्लाह को अगर ख्वाब इवें डिठई ते फिर नबिया दे सुल्तान दी बीवी बनने वाली ठहर एक मिनट दो मिनट हुसैन दी नानी बह गई ए अंदर गया अंदरों जाके इन्हें जबूर तुरात दोवें किताबां लियांदियां मेरी समझ आंदी भी गल दी ओदे विचों एक तवीज लिखिया पहली बारी सुन रहा ना तवीज लिख के वरका कहन लगा बीबी इस तवीज नाल गुसल करना है ते ऐ मैं दो ऐतां जबूर ते तुरात दियां लिखनियां ने ये अपनी सरांदी रखनियां ने जेड़ा ख्वाब अज रात वेखे मैनू सुभा के दसने जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजा दुल कुबरा अपने मकान ते आईया गुसल फरमाया हुसैन दी नानी ओ तरो तुरात ते जबूर दियां ऐतां वाली तख्ती अपने सराने रखी ख्वाब डिठा राती नफीसा ने पूछया सुनाओ मुस्कुरा के कहन लगी ख्वाब में दिल छीन कर जो ले गया वो कौन था नाम जिसका अरश आजम पर लिखा जरा हाथ दे चालीर मना के बड़ो ख्वाब में दिल छीन कर जो ले गया वो कौन था नाम जिसका अरश आजम पर लिखा नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी मैं इंतहाई इंतहाई अदब दे नाल गुजारिश करांगा क्योंकि हजूर थके हुए ने ते मैनू कुछ कहन दियो नारे कम मैनू ज्यादा कह दियो ताकि मैं थोड़े वक्त ही तुहानू ज्यादा कोई शादी दे हालात सुना सकां सुन तो जन बीबी उठी नफीसा ने क्या मैनू ख्वाब दसो फरमाया ना ना वरका दे डेरे ते जाके बयान करांगी अगे अगे बीबी खदीजा दुल कुबरे मगर मगर नफीस है आ गया वरका बिन नौफल दा डेरा उन्हें क्या मलिका तोला रब सुनाओ राती ख्वाब की डिठई कहन लगी मैं सुती होई हां मैं ख्वाब विच डिठा एक नौजवान नूर दे घोड़े ते सवार होके अली दे वेड़े चो निकले अबू तालब दे कारी चो निकले आए ओ तेज रफ्तार घोड़े सवार मेरे महल को लग लिया गुजरन मैं अपना दिल दे बैठी दौड़ के ओदियां कदमा नू जफी पौली मैं नाल लगियां ते अख खुल गई वरका ने कहा बीबी ए यकीन रख तेरी शादी होएगी ओ दे नाल जड़ा कायनात च सैयदुल मुरसली बीबी बैठी है सामने फरमाया वे वरका कोई निशानियां दस हर लड़की नू शौक होंदा मैं जिसकी बीबी बननी है उसका कोई निशानी दस वरका ने कहा दादा मजबूर ना करी ना ना पूछी पहली निशानियां से जी जदों गुस्से च चमक रहा होगे ओ नखरे ते अदाओ नल बाहर निकले नी खदीजा ए बदलो दे सिर ते साया करेगा दूजी निशानी अगर ओदी कमीज उतार के डेठी जावे दुआ मोढ़ियां दे दरमियान मोहे नबूवत सुभान अल्लाह को की होएगी दोनों शोल्डर दे दरमियान मोहरे
बोलो मोरे नबूवत होएगी। तीसरी निशानी है अगर वह धुप विच खड़ा होवे रोशनी विच खड़ा होवे उहदे जिस्म दा साया नहीं होएगा। बीबी मुस्कुरा के कहन लगी वे को खानदान दस उन्हें क्या खानदान हाशमी है कुछ होर दस उन्हें क्या मुतलबी हो ए बीबी ए दे तो अगे ना पूछी। पहली निशानी ओदे बदन दा साया नहीं, दूजी निशानी मोरे नबूवत ओदियां कंधियां दे दरमियान चमक दी है, त्रीजी निशानी अगर धुप्पे निकले बदल साया कर दे, चौथी निशानी ओ हाशमी आ ओ मुतलबी आ। हुण बीबी इंतजार पी कर दी ओ कौन कुछ हुण ग्राउंड दी समझ आई कि अजे जिन्हां नूं आ गई जरात खड़े करो ताकि मैनूं पता लगे कि ग्राउंड थोड़ी जी बन गई ज़ेहन च आ गई। सुन गौर दे नाल बीबी का इतना समान तजारत होंदा सी कि वड्डे वड्डे अबू जाल ते अबू लाह वर्गे भी ये नौकर बन के ऊठां ते माल लद के शाम नूं जांदे सी। तवज्जो मेरे अल मेरे आका ओ मौला दी उम्र है 25 साल, ग्राउंड समझ किन्नी उम्र है 25 साल, और अबू तालब दे घर ने अली दे बाबे दे घर 25 साल की उम्र है, और अपनियां दो फुफियां ने सकियां, एक का नाम सफी है, ये भी गल्लां सुनिया करो, एक का नाम है आतका, आतका छोटी है, छोटिया फुफियां बड़ा प्यार होंदा भतरीजियां नाल। ये अपने खामद नू कहन लगी आतका अगर 2 मिनट इंतजार दे मेरा दिल मूझे है मैं मुहम्मद ना वेखावा। देखता जी समझ आ रही गल दी, ये हजरत आतका घरों चलिया ने ते आके ना करीब मेरा नबी खाना पिया खांदा है। आतका ने रिठा अबू तालब उठ के जफ्फी पा के मिले मेरी बहन आई है, मेरे रसूल ने अदबन सलाम किया मेरी फुफी आई है, मुस्करा के फरमाया अबू तालब वीर मुहम्मद जवान नहीं हो गया, मुहम्मद जवान नहीं हो गया, अगर इजाजत देवे तो यदि शादी कर दईए। अबू तालब कहन लगे कुछ पैसे हाथे चौन ते कोशिश कर दे आ। उन्हें के एक काम मेरे जेन च आया, खतीजा मेरी सहेली ओदे ऊठ सवेरे शाम नू तजारत जा रहे ने, अगर तू इजाजत देवे वीर मेरा चूंकि तू परवरिश कर रहे मुहम्मद की ते मैं ओदे कोल इजाजत लवाए जवान हो गया कोई 2 ऊठां का माल। समझ आ रही जनाब अबू तालब ने फरमाया इजाजत, इधरों बीबी सफिया चली इजाजत लैन ली खतीजा तुल कुबरा को, उधरों महल ते बैठी है बीबी सोचदी पी नी नफीसा कौन है हाशमी कौन है मुतलबी नी जिहड़ा मेरिया खाबा का शहजादा बनेगा। लादे तो बहुत दरवाजा खड़किया, बीबी ने पूछा पता करो कौन है, नफीसा ने दरवाजा खोलिया। गल दी समझ आउंदी, इवें वापस आई तो कहन लगी खातून आंदी है मैं हाशमी हाँ मैं मुतलबी हाँ, तेन समझ नहीं आई मैं हाशमी हाँ मैं मुतलबी हाँ। बीबी उठ के खड़ी हो गई फरमाया इस्तकबाल करो, इधरों मेरे नबी दी फुफो हजरत सफिया अंदर आईया, उधरों इस्तकबाल किया बीबी खतीजा तुल कुबरा ने बिस्मिल्ला आहलन व सालन मरहबा किमें आए हो। आपने फरमाया नहीं खतीजा मेरा भतरीजा जवान हो गया, सुने दुआ तेरा मौल लेके उठा ते दुनिया तजारत ली जा रही ते मैं सफारशी बन के आई हाँ, मैनू भी मेरे भतीजे वास्ते 2 ऊठां का माल दे, बड़ा अमीन बड़ा दयानत दौर बड़ा नेक। बीबी ने सोचा ये हाशमी भी है ये मुतलबी भी है एदा भतीजा जवान भी है, कितने वो ही तो नहीं जिहड़ा मेरिया खाबा चाहता रे, जे शादी सुननी है तो फिर लम्हे तैयार करो। बीबी ने क्या मैं इवें इजाजत नहीं देती, पहला मैं इंटरव्यू लवानगी, जा अपने भतीजे नू लै के आ, जा अपने भतीजे नू। बीबी सफिया घर आई मेरे नबी दियां अखां च सुरमा पाया फुफो ने सोहना जोड़ा पाया, या मुहम्मद उठ तू पहली बारी तजारत ते जाना है, मालक पे आखदे ने इंटरव्यू लवानगे। इधरों बीबी अपने महल से खड़ी हो गई, अपने नौकर मैसरा नू कियो वे गली खड़ा हो जा दूरों वेख दौर जदों मुहम्मद आउंदा नजर आवे मैनू इशारा करी हाथ तुरात लैके बीबी आलिमा सी खड़ी हो गई, मैं कुछ निशानियां वेखना चाहनी हाँ ए ओ ही थी नहीं। इधरों नबी चले उधरों अल्लाह ने कहा या अय्या तो हल मलो एकाती अखलू मुसल्ला समावती वा अमेरू अर्दी मैं वेखना नारा कौन लांदे ओ आसमाना दियो फरिश्तियो दरवाजे खोल दियो, बीबी खतीजा दे मकान तो लग के अली दे वेड़े तक ओ परा दी छां कर दियो, वेखो मेरा मुहम्मद इंटरव्यू दे चलिया।
ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚੱਲੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖਰਾਮਾ ਖਰਾਮਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਰੈਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣਾ ਦੀ ਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣਾ ਦੀ ਉਡੀਕਣ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਮੈਂ ਹਲਾਤੇ ਨੇ, 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈ ਸਜਣਾ ਦੀ ਉਡੀਕਣ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀਏ ਬੜੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪਕੜੀਏ ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸਰਾਣੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਬੀਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਨਕੀਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ, ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਗਲੀਏ ਗਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੋ ਕੈਸਾ ਓਏ ਸਮਾਂ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਹੋਗੀ, ਵੋ ਕੈਸਾ। ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੁਲਾਓ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਵੋ ਕੈਸਾ ਓਏ ਸਮਾਂ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਕੈਸੀ ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ। ਇਧਰੋਂ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਪਣੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਈ ਜਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਏ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਖਦੀਜਾ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਖਾਜਾ ਜਮੇਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਨਫੀਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਸੁਣਾ ਕੀ ਆ ਲਈ, ਇਵੇਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਡਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਾਈ ਕੇ, ਮਾਰ ਡਾਲ ਸੁਰਤੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਮੈਸਰਾ, ਰੋ ਕੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤੌਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਾਸ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂ ਕੇ ਪਾਸਿਆ ਕਰ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਾਸ। ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ, ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੰਜ ਤਨੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸੁਣੋ। ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋ ਊਠਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਲੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਮੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਮ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈ, ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਪਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਪਾ, ਔਰ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੀ, ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਊਠ ਹੈ, ਇਹ ਊਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੁਹਾਰ ਤੂੰ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਹਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ,
इमामुल अंबिया नू फुफिया नू आया सोने कपड़े पा के मेरे नबिया का ताजदार अपने मकान तो निकलिया अली दे घर अबू तालिब दी गोद च पलन वाला शहनशाह इमामुल अंबिया चले आए काबे दे अंदर पंजा सत्तर सत्तर ऊठ बीबी दे तैयार सन माल जरा मेदर देखोगे तो मैं थोड़ा जहा मंजर समझावगा जिस बंदे नू ऊठ मिलते हर बंदे नू दो दो ते ओ बंदा मुहार एक खब्बे मोढ़े ते इवें एक सज्जे मोढ़े ते रख के इस तरह खड़ा हो जाता एवं देखो इवें ते नजर आती बीबी खतीजा दे चुबारे अल बीबी खड़ी होके चुबारे उत्ते सफेद रंग की छड़ी इंज लहरांदी ते काफला तू जरा समरा ते देख तेरा रसूल खड़ा है दो ऊठ लैके देख समान लग है इस काफले विच कौन कौन है ताकि तेनू लुत्फ आएगा नंबर एक च इस काफले च अबू जाल ही नंबर दो इस काफले च वलीद बिन मुगीरा ही इस विच उमैया ही एदे विच ही अबू लाब जिन्ने बईमाना दे चैंपियन सन सारे एदे विच कोई जिनू यारे गार आंदे ने अबू बकर भी एदे विच ही कम शुरू होने होया ही दुआ कर मैं दो लम्बे तेन सुना दिया मैं छे घंटे शादी पढ़ी इतने मैं एक घंटा टाइम है मेरा मैं पढ़ना जितों तक मैं पढ़ सकिया सुन गौर दे नाल इमामुल अंबिया अपने ऊठा नू लैके टुर पे घंटियां वज गई वो काफला चल पियो जदों आए मक्के तो बाहर चुरस्ता उस चुरस्ते ते काफला रोकिया मैं सराया अगे उन्हें क्या काफले वाले रुक जाओ या मुहम्मद दाल तुहाडे जिहड़ा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अगे आवे मेरे नबी अगे आ की गल है उन्हें क्या सोना मैं परदा कर दा यह जेडे कपड़े पाती खड़ा है ये उतार ए कपड़े पा मेरे नबी ने कपड़े पा ले सोना मैं गुलाम हाँ इस ऊट ते तू सवार हो अबू जाल दौड़ के आया गंदे दिमाग वाला उन्हें क्या मैसरा सोच दें ए ऊठे मलिकातुल अरब दा अज तक कोई एदे ते बैठा नहीं तू मुहम्मद नू बठान लगे उन्हें क्या जबान बंद कर साइया दा हुक्म इवें जल साइया दा हुक्म इवें दो कम करके तीसरा कम हुण लुत्फ तेनों आना शुरू हो जाएगा मैं पूरा पाकिस्तान नचाया जो कुछ हुण मैं अगे पढ़न लगा उन्हें क्या गल सुन जिस बंदे नू एदी सरदारी कबूल ओ नाल चले काफले दा सरदार अब्दुल्ला दा चन मुहम्मद अबू जाल फिर बोलिया उन्हें कहा गल सुन इनू रस्तियां दा नहीं पता ए अनट्रेंड है कदी तजारत उते गया नहीं ए ताजर नहीं ए की करन लग्या उन्हें कहा तेरी दिमाग ते तबीयत खराब है ते वापस टुर जा ऊठ दे दे नहीं ते सरदारी एदी ही कबूल करनी रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं मिल के टुर पै तां हुण पहले उन की इनाम की रख्या सी जो कम अनहोना वेखे ओदे बदले विच तेनूं 1000 ये हुण सोचण डिया भी नवां काम की होएगा जिहदे ते मैनूं 1000 मिलेगा काफला टुर पिया इमामुल अंबिया दा ऊठ अगे अगे बाहु मंजर आ गया चलदे हां एक मंजिल मक्के तो बाहर आए सारिआं तो आखरी दो ऊठ एदे विच लुत्फी शादी दा पूरी दा जिहड़ा मैं हुण लगा पण सारिआं तो आखरी दो ऊठ जमीन ते बह गए अपना बोझ लैके अरब दा रवाज सी जदों को ऊठ भार ते छट्टां लैके बह जांदे इनू समझते बदशगुनी है और उन्होंने ऊठा जबाचा कर दे उन्हों का गोश्त वंड के खा जाते और जोड़ा माल से दूसरिया वंड देंगे और जोड़े बंद को ऊठ होंगे उन्होंने कहें तू मनहूस है चल वापस टुर जा अजे एक मंजिल आए ने ते आखिरी दो ऊठ बह गए बदशगुनी रौला पै गया काफला रुक गया अबू जाल कह लगा मैं सरा मैं तेनू क्या इनू सरदार ना बना वो अजे असी एक मंजिल निकलिया बार ते दो ऊठ बह गए अपना बोझ लैके बह गए ये बदशगुनी अजे असी शाम जाने सानू नफा की होएगा एदी सरदारी बंद कर हुण इन्हां ऊठा नू जबा करना पएगा उन्हें क्या बकवास बंद कर मैनू सरदार नू पुछ लैन दे मैनू सरदार नू करीब आया मेरे नबी ने फरमाया शोर का दे लुत्फ ले शोर का दे उन्हें क्या याओ सैयद अल मुरसली रसूलां दे सुल्तान दो ऊठ बह गए साडा रवाज है जदों ऊठ बह जाने इनू बदशगुनी कहिंदे ने उन्हां नू ज़बा लगे ने करन मेरे नबी ने क्या ना मैनू भी वखाओ ऊठ केड़े ने मेरा जरा ध्यान नहीं लुत्फ लै इमाम ओलंपिया अगे अगे मैसरा मगर मगर हुण मेरे अल वेख ते लुत्फ लै
मेरे अल देख ते लुत्फ लाए जाए उन्हें ऊठा दे करीब। मेरे नबी ने क्या वेख के ऊठा ने मेरे नबी उठा बड़े दो बैठे थे नबी ने ऊठा लेखिया वेख के फरमान लगे क्यों बैठे हो की होया जे कहन लगे कुछ नहीं 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 समझ नहीं क्यों बैठे हो की होया जे मेरे नबी ने पूछे अरबी कहन लगे कुछ नहीं फरमाया बैठे क्यों हो बेखत तमाल पास सैयद गलो सुन के क्यों बैठे हो उन्हें क्या सोने तू आवे दूर सानू नजर नहीं सी आउंदा मैं नाल दे नू क्या कोई सकीम लड़ा असही मुहम्मद नू देखू उन्हें क्या कोई सकीम लड़ा कोई सकीम लड़ा असा ही मुहम्मद नू देखू उन्हें क्या गल सुन दस मैनू क्या बह जाइए उन्हें क्या तेन रवाज का पता अरबियां का अगर बह गए छुरी फेर दे मैनू क्या ना घबरा छुरी जल्दी नहीं उन्हें क्या क्यों वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमी उन्हें क्या गल सुन बह जाई उन्हें क्या अगर बह गए अरबी छुरी फेर देंगे मैं क्या ना घबराओ आलमीन दी रहमत साडे नाल ये छुरी फिरन नहीं देंदा मेरे नबी ने फरमाया हुण तेरी मर्जी की है मेरा जर जुमला सुन सैयद हुण मर्जी की है तुहाडी कहन लगे सोणिया एक बारी प्यार दे नाल हाथ रहमत दा फेर साडियां टोरां वेख एक बारी प्यार दा हाथ फेर साडियां टोरां वेख एक वादा कर कमली वालिया हर मंजिल ते पिछू आके सानू दीद करांदा नहीं असीं बैंदे नहीं शाम तक जां काफला उठिया नारा ला काफला उठिया काफला लगा चलन इन्हें लाल किताब कढ़ी जे बीचों लिख दे बीबी बीबी नी पहला न होना कामी मुहम्मद बैठिया या उठाते भार तो थकिया या उठाते जिसम ते रहमत वाला हाथ पेरे उठा हवा हो जांदे नी एक हजार दिरम तैयार रख नारे रिसाल पांच नारे पांच नी सवा लख नारा हाजरी नारे गौसिया जिक्रे मुस्तफा थक गया या अगे चलिए बस करना एदे पंजी इनाम मेनू याद ने पंजी हजार अजे ते मैं इको ही पढ़िया है तुसी पहले दी थक गया काफला फिर चलिया चंद लम्या तो बाद चंद लम्या तो बाद तवज्जो मैं दे रुखी मैं डूडेख चंद लम्या तो बहुत छागलां च पानी मुक गया पानी मशकां च मुक गया आला तश ऊठ प्यासे सवार प्यासे रहवार प्यासे इकट्ठी हो के मैसरा को लाए ओ मैसरा चंगी सरदारी मुहम्मद दी बनाई अब रस्ते च पानी कोई नहीं आज तक कदी पानी नहीं मुकिया एक ही कम होया कहन लगा अबू जहल एक मौजदा वेख के फिर बकवास कर दे इंतजार कर मैं सरदार कोलो पूछ ले मैसरा ने डेरी हाथी पकड़ी इनाम मिलेगा आया करीब कह लगा या मोहम्मद पानी कोई नहीं मेरे नबी ने फरमाया काफला रोको काफला रुक गया हुसैन दा नाना जमीन ते उतरिया दस कदम मेरे नबी ने चले अगे अगे जाके जमीन ते मारी मोहम्मद ने अड्डी दस फुट पानी दा चश्मा निकलियो आपने फरमाया आप पियो अपने ऊठा नू पियो पापे पियो मैसरा ने लिखी डायरी कहिंदा बीबी बीबी ए गरीबां दी मौज पी बनदी हो ए जड़ी जगह ते जमीन ते हाथ फेर उठावा हो जांदे नी ए अगर जमीन ते अड्डी मारे पानी दे चश्मे बुड़दे नी दो हजार दिरहम जे तू थके नी ते कोई थोड़ी जी मौज बना दी है गरीब दी के थक गए हो किन्ना इनाम हो गया मैं चार पांच ही पढ़ांगा ज्यादा नहीं पढ़ता मैनूं मालूम होंदे सी डाढ़े थके हो
चार पांच मैं सारी शादी पूरी पढ़नी ही नहीं, चंद लमे होर पढ़ के इजाजत लवानगा। सुन गौर दे नाल, किन्ना इनाम हो गया? तुसीं तां बोलदे नहीं, बाबा तू बोल। 2000 होया, अजे तो 2 ही होया, वो तो बनिया ही कुछ नहीं अजे। 2000 इनाम जदों अगे चले, मेरे हाथ नाल देख, एडू रस्ते आ गए। किन्ने डू रस्ते? एक बाईपास वाला, एक स्ट्रेट लाइन। हुण तुहाडी बोली दसा, एक सीधा एक उल्टा, बारू बारू जंगल का राह है। काफला जंगल वाला रस्ता छोड़ के बारू बारू जांदा सी। शाम काफला रुकिया, मेरे नबी ने पूछा मैसरा की गल है? उन्हें क्या सोना, ये रस्ता शेरां दा है, ये रस्ता शेरां दा है, चीतियां दा है। अज तक कदी अरबी लोग इस जंगल के रस्ते गए नहीं, हालांकि ये रस्ता नेड़े आ, असी उत्तों उत्तों बारू बारू जाने हैं। मेरे नबी ने कहा अज मैं नाल आ, शेर कुछ नहीं आंदे, सीधे चलो जागते अज जा। मैसरा ने मुहार पकड़ी इमामुल अंबिया दे ऊंट दी, सीधा आया जंगल नू। अबू जाल ने शोर पा दिता, उमैया अगे आ गया, उन्हें क्या की लगे ओ करन धरोई, ये रस्ता अज तक प्यो दादा कदी इधर नहीं गया, जंगल दे शेर ने, साढ़े कोल तलवारां भी इन्नियां कोई नहीं, अगर हमला कर दिता साडा की बनेगा? मैसरा ने कहा मुहम्मद नाल कुछ नहीं बनता। एक बार समान लगो मेरे दोस्तों, जिसले जंगल शामिल हो गए, सुनी गौर दे नाल, जदों जंगल दे विच काफला टुर पे, चंद लम्या तो बाद शेर की आवाज आई। मैं शाह साहब किबला एजुकेटेड नजर आते हैं मैनू, तो मैं तुम याली कहते हो, एक इलमी गल जेन चाहिए, अगर जेन चाहे तो मैं थोड़ी जी दास्तान रोक के बयान कर लवा। बोलो, अरबी जबान शेर दे 8 नां ने, शेर दे किन्ने नां ने? हजूर तुहाडी नजर कर रहे हैं, यू आर एजुकेटेड, आई सी यू, इस वास्ते मैं चाहना कि चलो कोई अद्धा जुमला तुहाडी भी नजर हो जाए। किन्ने नां ने शेर दे अरबी जबान? बोलो तुसी सारे, 8 गिनता जी। हारस, असद, जैगम, जरगाम, गजनफर, सफदर, हैदर, अब्बास। मैं इलम की पढ़ना है? पहली बारी इलम दी मैं कुंडी लगा खोलन, तुसी चुप कर गए हो। शेर दे किन्ने नां ने अरबी च? बोलो 8। फिर सुन, हारस, असद, जैगम, जरगाम, याद करी, हारस, असद, जैगम, जरगाम, गजनफर, सफदर, हैदर, अब्बास। इन 8 चो लुगत चुके जिदा भी पढ़ेगा अगे लिखा होगा शेर। हुण जे तेरी मर्जी है तो मैं तेरे को नारा ना लवाया तो सैयद फिर मुकर्रर कर दे, खिताबत ही मैं छड़ दा, लेकिन सुन शेर, तवज्जो मेरा रख, मेनू देख। शेर दिए मैं किन्ने ना गिने ने? नहीं मैं लुत्फ नहीं आया, बोलो किन्ने? 8। मेरे वाल देख, शेर देने बच्चे, मैं वजाहत लगा करन, शेर अपनी गार दे गिरद, इन शक पै गया कोई शिकारी मेरे बच्चे पकड़ना चाहता है, यह सर्कुलेट कर रहा है, पंजाबी की तर्जमा होया, यह गर्दश कर रहा अपनी गार दे गिरद। कौन है ओए जिहड़ा मेरे बच्चों के करीब आवे, जिहड़ा राखी कर रहा होवे, इस शेर नूं हारस कहिंदे ने। नहीं समझ आई? अपने बच्चों की रखवाली करने वाला घूमन भाई, कोई बंदा फिलहाल ना उठे जिन्ना चिर मैं मुकम्मल नहीं करता, फिर उठा जी मरीज, लेकिन सुन लो ऐसा लुत्फ खराब होता। चंद लमे रुको, मैनू गल मुकम्मल करन दिओ। जदों शेर रखवाली कर रहा होवे इनू की आंदे ने? हारस। कुछ देर तो बाद शेर नू पता लगे किदी जुरत है मेरे बच्चों के करीब आए, ये हुण शेरां वाला गुरूर लैके अपने बच्चों में सौं जाए, सुते हुए शेर नू असद आखदे ने। जे नहीं हो समझ आई तेनों, अजे नहीं पता लगा, अली सुत्ता ते असदुल्ला बनया, पहरा देन वाला शेर हारस, सौन वाला शेर असद। समझ आती पई है? हुण शेर दी अख खुली, जागो मीटी पंजाबी जबान, कुछ अख बंद कुछ खुली, जो जागद इंज, इस जागो मीटी शेर नू जैगम आखदे ने। समझ आ रही गल दी? इनू की आखदे ने? पहरा देन वाला हारस, सौन वाला असद, जागो मीटी जैगम, पूरा जागया, उठ के पब मारी इन आवाज, नारा आदरी लाना, मैं तेनों दस लगा जिंदगी च पहली बारी, मैं फिर बोल गया वापस आ। पैरा देन वाला हारस, सौन वाला असद, अद्धा जागदा अद्धा सुत्ता जैगम, पूरा जागदा सरगम। हुण ज़ेहन च ख्याल आया मैं अपने बच्चों का शिकार करने वास्ते कोई इंतजाम करा, शिकार वास्ते उठ के तुर पवे गजनफर,
बस हुण मैं वेखना है भी तेरे चो उठदा कौन है। अजय नहीं मंजर वेख, पैरा देन वाला हारस सुत्ता होया, असद अद्धा जागदा अद्धा सुत्ता होया, जैगम पूरा जागदा, जरगाम शिकार ली टुरदा होया, गजनफर गजनफर हुण मेरे वेख जुमला जरा सोच ओ भाई जी एक साइड दे जो देख मेरा तुर पिया गजनफर हुण मैं वेखना पी अली नाल प्यार किन्ना ही। तवज्जो अगो हरन नजर आया अखां चखा पाके ओ पंजा चुक ले इनू सफ दर कहिंदे नी ते पंजा मार के टोटे कर दे इनू हैदर आखदे नी। नहीं समझ की लंबी मैं बयान करना जो जंगल का रस्ते अगों शेर दौड़ रुकिया कह लगा मैं सरा मैं तू मन नहीं मैं नहीं सी भी शेर ने काफला कम साढ़े को तीर ही पास दरोहेर पागो कर मैं मालकां नूं पुछ इमाम मुहम्मद मेरे नबी ने क्या काफला क्यों रुकिया सोने शेरां दी धाड़ इस वास्ते साडे कोल तीर कोई नहीं कमान कोई नहीं तलवारां कोई नहीं असी बुपारी की बनेगा मेरे नबी ने क्या एक मिनट रुको नबी ऊट तो उतरे 10 कदम अगे चल के मेरे नबी ने एक फिकरा बोलिया या वलहार इंज जिमें बा जबरूत शहनशाह किसी नमक हराम नौकर नू आवाज मार दे तू फिक्र ही पचा गए मेरे नबी ने कहा या बलहारस एक कुनियत शेर दी आ शेरो अजे मेरे नबी दे मुंहों फिकरा मुकम्मल नहीं होया 25 साल दी जवानी दा जुमला ते 3 शेर शां 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 करदे निकले अरबी कंबी जांदे ने थर 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 मैसरा कहिंदा खैर नहीं असा हिक तो डरदे सा ते ए 3 जदों करीब आए तवज्जो जदों करीब आए मेरे नबी ने एक दा कन पकड़ के पूछिया क्यों शोर मचांदे हो उन्हां का सोनिया तेरी आई है खुशबू तेरी आई है खुशबू असा वदे खुशी नाल जंगल दे जानवरां नूं आवाजां मार दे अज कुछ नहीं आंदे आओ मुहम्मद वेखो अज कुछ नहीं आंदे मुहम्मद वेखो कमली वालिया तू आ गए साड़ी रैयत उन्हें कट्ठी भी आंदी इधरों वेखो हरण पै आंदे ने लगड़ बगड़ पै आंदे ने रिच पै आंदे सोनिया तू कायनात दा तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरकान आला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा सोनिया तू कायनात दा नबी है शेर इकट्ठे हो गए मेरे नबी ने फरमाया ओ कमी बन के अगे अगे लग के चलो अपनी जूई चो लंघाओ मेरे काफले ने मैसरां दी जेबी चो लाल किताब कढ़ी लिखदा बीबी मौज लग गई गरीबां दी हाथ फेरे ऊठ हवा आउंदे नी अड्डी मारे चश्मे पानी दे निकलदे नी धुप आवे सिर ते बदल साया कर देनी कमाल वाली गल नहीं बीबी इंज शेरां नूं आवाज मार दे जिवें अपने नौकर बुलाई दे ने शेर अपनियां दुम्मां ते पूछला अपनियां नीवियां कर कर के दे कदम इंज चढ़दे ने जिवें मुरीद पीर दे चुमदे किन्ने हजार हो गया बस करिए बस करा हजूर तुहाडी तबीयत थक गई होवे ते इजाजत
हाँ क्योंकि तुहाडे वल मैं ज्यादा तवज्जो नहीं, इतना लंबा सफर, टू मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड फ्रॉम लाहौर टू दिस बाड़ी, पता नहीं की ना इस पिंड का, इतों तक आते हुए थके हुए हो, इसलिए हाँ असी मौलवी लोग तो पढ़ते रहने, इसलिए मैं तुहाडे मजाज का ज्यादा फिक्र है। हाँ तुम थक गया, तुहानू नहीं मैं परवाह करता थकन की, हाँ ना मैं इन्ना एहसास ही है, सुन गौर दे नाल किन्ने आधार हो गया बोलो। नंबर एक ऊठ हाथ फेरे ते हवा आंदी नहीं 1000, नंबर दो अड्डी मारे ते पानी दा चश्मा निकल दे 2000, नंबर तीन धुप लगे ते बदल साया कर देनी 3000, नंबर चार शेरां नूं आवाज मारे पूछल दबा के कदम आके चुम के नौकर बन के अगे अगे टुर देनी 4000। और हुण मक्के जंगली चो निकले बार, एक काफला जा रहा बसरे, बसरे तो शाम अगे पहाड़ी आ गई, थक गया मेरे नबी दा, अजे ते मंगनी होनी है, अजे मंगनी तो मुहम्मद घोट बनना है, ये तो 6 महीने का प्रोग्राम है, तुम हमने ही थक गए हो, लेकिन मैं ना नहीं पढ़ना, घबराना नहीं, तू तरसदा रहे, कोई मौलवी सदी पाकिस्तान चो मेरे जान तो बाद कही तू अगे सुना, जिथे मैं छड़ के जावा उनकी इथों तक, सैयद पढ़ गया अगे तू पढ़, मेरी तो नानी दादी है ना, मैनू तो पता ना भी की होया। सुन गौर दे नाल, जदों निकले बाहर अगे पहाड़ आ गया, जा पहाड़ी ते काफला चढ़िया, मैसरा वेख दे हर पत्थर उड उड के, हर पत्थर उड उड के, जमीन तो उबर उबर के, जमीन तो उछल उछल के, हर पत्थर मुहम्मद दे ऊठ दे पैर प्या चुमद, मैसरा कदी दायों आउंदे कदी बायों आउंदे, पत्थर उड़द जमीन तो पैर चुम के फिर अपनी सीट ते बह जांदे, कहिंदा बीबी कमाल हो गई, साडे आखे बिगड़े होए अरबी नहीं लगते, कमाल मुहम्मद दा तो पहाड़ा दे पत्थर दे ऊठ नू बह जान दे, किन्ना हो गया बोलो, मेरे अल वेख, मेरे हाथ वेख, हुण ए मक्का ए पहाड़ी इवें ढिलवान डाउनफॉल उतो उतरने सामने नसतूरा, बोल फिकरा, चूंकि तू यह गल्ला सुन दादी नहीं, नस मैं चार शादियां पढ़िया ने जिंदगी चार चार घंटे, मुहम्मद की खतीजा नाल शादी एक, प्यारे नबी की आयशा सदीका नाल शादी दो, अली की बतूल नाल शादी तीन, अली की अब्बास की मां उम्मुल बनीन नाल शादी चार। तू मैं 10 साल साध, मैं 5 साल से कम अज कम नबी पाक की हुसैन की नानी नाल शादी नहीं खत्म होने देनी। सुन गौर दे नाल, नसतूरा राहबे ओदे 70 शगिरदिन, ते ओदा काम किए तुरात ते अंजील बगले च लैके, जो 12 बजे का टाइम होंदा ना, ते अपने उस छप्पर उपर चढ़ के इवें पहाड़ी अल वेंद, शगिर्द पुछते ने उस्ताद 20 साल हो गए की वदा गोल दे, जो 12 का टाइम होंदा लू चलती अरब की, तू इवें किताबां चुक के ते छप्पर ते चढ़दा पहाड़ी दे रवेन, वो कहन लगा बेवकूफ हो मैनू किसी का इंतजार है, बेवकूफ हो मैनू किसी का इंतजार है, मेरिया किताबा च लिखिया वो आवेगा। उन्होंने पूछा अज फेरे प्रोग्राम के मुताबिक उत्ते चढ़िया बैठा, उन्होंने पूछा उस्ताद 20 साल गुजर गए, ना आने वाला आया, ना तू किताबा लैके चबारे चढ़नों थकिया, कदों आएगा, उन्हें क्या अज आएगा, जागी यार जागी, अल्लाह दे वास ही समझ के दाद दे दे, उन्हें कि क्या आज जाएगा, उन्हें क्या उस्ताद कोई निशान नहीं, उन्हें कई में बदल देखा नहीं, दौड़ के गया है छतरी बनने वास्ते मुहम्मद लई, ये गल्लां प्या करदा है। इन्नी देर नू उन्हें क्या कोई निशानी, काफला सामने बुलंदी की चोटी ते आया, उन्हें राहब की नजर पई नसूरे की, कहन लगा आ शगिरदो दौड़ो दौड़ो, जिदा मैनू इंतजार सी, ये हुण जमीन ते अपने छप्पर ते चढ़िया बैठा, गल मेरी बोली समझ आती गई, ये छप्पर ते आ, इदू काफला 70 बंदियां दा चढ़िया उपर पहाड़ी ते, वेख के कहिंदा उन्हां कहा शगिरदां नूं उस्ताद कोई निशानी, उन्हें कहा एक सुक्का होया जतून दा रुख ए मुड बार, ये तले बैठा ही ईसा इब्ने मरियम, ये हरा आई कचूर आई, इसका फल दुनिया खांदी सी, ईसा ये तल्यों उतर के उठ के गए, ये सुक गया, अंजील कहिंदी है ये थले आखरी नबी आके बवेगा, एक दफा फिर हरा होएगा, अगर ओ ये जिदा मैं इंतजार करदा ते ए मेरे मंदिर वाल नहीं आएगा, उस मोड़ डल जाएगा, हुणे ही पता लग जांदा है, दुरूद पढ़ना भी जा, बस ना करिए बस करिए। इमाम अंबिया का काफला उतरिया जमीन ते, मेरे नबी ने फरमाया ओ मैसरा मैसरा
उन्हें क्या कमली वाले जी फरमाया ऊड़ दी मुहार उस मोड़ डल मोड़। अबू जेल कह लगा धरोइया एक गर्मी एक लो तेरे ते बदल साया कर दिया साढ़े ते नहीं करता। जद सके चाचे मुहम्मद वर्गे नहीं मौलवी तू कि मुहम्मद वर्गा हो गया। अज तक एक इलमी नुकता सेंच हो रहा है मैं तो मशीन नुका दी तुम सादा लोग मैं पढ़ते ही नहीं। देग लै लो देग की देग ओदे च नैसले दे पानी साफ करके ना नैसले दे पानी दी बोतल भर के ऐ देग मुंह मुंह कर दियो इनू अरबी जबान च कहांगे मुस्तफा यानी पानी सफा है बिल्कुल एदे च कोई मिलावट कोई रुकावट नहीं। तुहाडी बस्ती दा नाम की है? चलो अनवार क्या सोना ना अनवारे मदीना ए नहीं हूँ जी गल करनी वो ना कहो असल ना दसो तीन इस तीन चक दे चौक दी इतनी मिट्टी लैके ना झूंडी उस देग च सुट्टो हुण ओ मुस्तफा नहीं। तुहाडी गल समझ नहीं मैं समझावांगा यानी जिनी देर तक उस मिट्टी नहीं मिली हो मुस्तफा है एक चूंडी मिट्टी दे सुट्टो हुण ओ मुस्तफा नहीं चूंडी। हया कर नाले आना है मुहम्मद मुस्तफा है नाले आना है मिट्टी दा बशर है या मुस्तफा ना कहो या बशर ना कहो। या मुस्तफा ना कहो जागी। अच्छा एक और नुकता सुनो नुकात समझते ने मौलवी तेरे बंदे दूसरा नुकता सुन और सारे लोग जवाब दोगे पीर साहब मुस्तस्ना ने तो तुहानू दे मैं ठीक कर लांगा उन्हें इधरों डर लगता है तुसी तवज्जो करो और जवाब दो ऐनी बाड़ी कोई बंदा तुहाडे जो खड़ा होके दसे बशर आदम तो बाद जम्मे ने या आदम तो पहले भी बशर सी मेरा सवाल तुसी खड़े होके दसो। वैसे मेरे बुजुर्ग हो उची सर बाद ए सिक्योरिटी गार्ड तू खड़ो भाई ए नहीं तो तेन शऊर है ना बशर आदम बाबे तो बाद पैदा होने के पहले बोलो माशाला। अच्छा जनाब ए साउंड वाले तुसी नहीं मनते बाद हुण सैयद दा मैं लगाऊं थोड़ा मारन बर्दाश्त करी अगर मुहम्मद आया है आदम तो बाद ते सब तो पहले मैं बशर कही ना ते जे आदम दा जे प्रोग्राम ही नहीं ते हुसैन दा नाना पहले आ हया कर बशर ना कहो। समझ आई गल दी फिर बशर आ मैं एक गल होर सुनावा ताकि तुसी देसी बंदे हो ए इल्मी गल तुहाडी समझ नहीं आई जट मैं चूंकि लतीफा को मौलवी नहीं खतीब आन मैनू पाकिस्तान च लकब दिता खतीब नुक्तादान मैं हुण वह नुक्ता बयान करा तू भी समझे बल्कि जहल अंगूठा छापन वाले ही समझे। एक जट दा दांद गुआच गया लतीफा नहीं दांद गुआच गया उत्तों बारिश भी पैंदी निकलिया अपने घरों बाहर दांद लभण लई ये हुण घरों टुरिया जांदा है अपना दांद लंबनी बारिश भी पैंदी बिजली चमकी ते सामने एक शेर खड़ा है दरख्त दे थले ने सोचा मेरा दांद है करीब गया अंधेरी रात है ऊपर हाथ फेरदा कहिंदा आप ही थके हैं मैनू ही थकाया ही आप ही भुखा रहे हैं मैनू ही भुखा रखे हया करे हैं क्यों भजे हैं। वो शेर पियांदा पुत्र जरा सिज उभरन दे तू जिन्हू अपना दांद समझी बैठा है तू कदम कदम ते कहना बशरे बशरे अल्लाह आंदा जरा माशर दा सेज उभरन दे अजे ही नहीं समझिया ते मैं तेनू किवें समझावा अजे ही नहीं समझिया ते मैं तेनू किवें समझावा अल्लाह आंदा मैशर दा सेज उभरन दे मुहम्मद नू ताज काश मैं मिलाद पढ़ना होंदा फिर कदी आया ते तेनू मकामे वसीला सुनावांगा हुण टाइम ही नहीं इन्ना हैगा हुण ते मैं शादी पढ़ रहा दरमियान च एक गल आ गई ते मैं तेरे सामने रखी है कसम ए ज़ात दी आ एक दसा मैं हजूर किबला नहीं मालूम तुसी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन रखते हो या नहीं मैं वापस मुड़िया सऊदी आई चो रात एक स्टॉप आया उन्होंने आंदे ने अबू धाबी या अबू कोई ना सुनिया कदे अबू धाबी का उत्थे मैं उतरिया आफ्टरऑल मैं कुछ भी सा भावें मैं ट्रिपल एम हाँ लेकिन मौलवी तो ही ना मेरे जेहन च आया नौ घंटे मेरा तैयारा लेट हो गया तो मैं क्या यार कुछ ना कुछ इतों अपने बच्चों वास्ते बच्चिया कोई चीज़ लै ला मैं एक दुकान पर गया तो वो को ना ये मैं तेन मिसाल दें इस तरह के हार लटके हो जिमें मेरी चांदी की तस्वीर है ना इस तरह हार लटके हो एक लड़की खड़ी हो मैं वट इज़ द प्राइस ऑफ दिस गारलैंड मैम वो पंजाबी तर्जमा है बीबी ये किन्नी कीमत है और कह लगी ओनली 40,000 दिरहम्स 40,000 दिरहम हुण मैं पहला वेखा अपने आप वल फिर मैं वेखा बोझ वल जिहड़ा मेरा वेला बैठा सी
ਤੇ 40,000 ਦਿਰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਰਵਾਰੀਦ ਦੇ 11 ਦਾਣੇ ਨੇ। ਮਰਵਾਰੀਦ ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਇਵੇਂ ਫਟਦੀ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਰਵਾਰੀਦ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਵਾਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾਪ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ 40,000 ਦਿਰਮ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਜੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਚ। ਆ ਦੇਖ ਨਾਰਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਪੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਇਵੇਂ ਸੀਪ ਖੁੱਲਦਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਏ? ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੌਸਲ ਵਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਰਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਲਾ ਜੀ ਇਨ ਫਲਕਾਨ ਹੋ ਸਦਫ ਬੈਤ ਰੱਬੇ ਲਰਬਾਬ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀਪ ਪਾਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਮਾਮ ਉਲੰਬਿਆ ਦਾ ਊਠ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਪਿਆ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ? ਨਾ ਸਾਇਆ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਟੁਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜਲਿਸੂ ਯਾ ਕਾਫਿਲੋਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਕੱਲਾ, ਕਾਫਲਾ ਦੂਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਡੈਰੀ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਬੰਨ, ਮੇਰਾ ਦੇ 1,000 ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਮੂਡ ਤੇ, ਮੇਰਾ 25 ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਚ 15 ਸਾਲ, 15 ਈਅਰਸ ਲੈਫਟ ਮੋਰ, ਅਜੇ 15 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਚੰਦ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਚੋਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੱਕਵਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਪੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ? ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਬੋਲੋ। ਸਹੀ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਸਤੂਰਾ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਨਕੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਮਾਮ ਉਲੰਬਿਆ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਸਤੂਰਾ ਪਾਦਰੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, 20 ਮਿੰਟ ਕੰਮ, ਦੋ ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ, ਉਮੀਦ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਐਗਜੈਕਟ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਸੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਮਾਮ ਉਲੰਬਿਆ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਨਸਤੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਨਸੂਰਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਮੈਸਰਾ,
इन्हें किताब कढ़ी कह लगा बीबी कमाल हो गई एडा कंजूस ते शूम है जदों काफला पहाड़ उतर दे ए दरवाजे बंद कर लेंदे कोई पानी मंगन ना आ जाए क्या कमाल है मोहम्मद 45 साल दी मेरी उम्र है पहली बारी साड़ी दावत प्या पकांदे किन्ना हो गया बोलो 7000 किन्ना हो गया दावत पक गई सारे खाना खान टुर गए मेरे नबी ने कहा मैं बहना तुसी जाओ ये हुण खलो गया अपने दरवाजे च किताब लैके पहला मेहमान आया एक नजर चेहरे ते दूजी नजर किताब ते कहिंदा ओ दखल चल अंदर दूजा आया अंदर चल तीजा आया सारे लंघ गया मेरा नबी अपने शगीरों कहिंदा ए प्लेटा चुक लो इन्हां दे अगों कमाल फेरे वाली प्लेटा चुको अबू जेल कह लगा तू साड़ी तोहीन की थी उन्हें कहा मैं जिदी खातर खाना पकाया वो तो आया ही नहीं जिदी खातर मैं इन्ना खर्चा किया वो तो आया ही नहीं उन्हें कहा वो कौन उन्हें कहा जिदे सिर ते बदल साया करता सी वो किथे जिदी उठनी नू पत्थर उड़ उड़ के सलाम करते सी वो किथे जिन्हें खातर वो सुका होया रुख हरा होया वो किथे उन्हें कहा तो खाँदा ही बहुत कम है वो समान कोल बैठा उन्हें कहा जे रोटी खानी है तो उन्हें लियाओ सवान लगे इमाम ओलंपिया लैके आओ मैसरा चलियो मेरे नबी दे कोल आके कह लगा ए नबियां दे सुल्तान या मुहम्मद जिनी देर तक तुसी ना जाओ ओनी देर तक टुकर लभदा मेरे नबी उठे आए दरवाजे च मैसरा ने एक नजर ना ओ नसूरे ने एक नजर अपनी किताब वाल दिखी एक नजर मेरे पाक नबी दे चेहरे वाल दिखी तो कहिंदा अख ते मां जागदी है जागी जागी अख माजा गलबा सरोवा मातगा मेरे नबी नु कहन लगा तेरा हाथ बार कढ़ी कबाई चो मेरे नबी ने हाथ बार कढ़े कहिंदा इन अल्लाह दी ना युबायू ना क्या इन्ना मा युबायू नल्ला खयदुल्लाह फौकादीम हाथ भी यदुल्लाहन हाथ भी यदुल्लाइन कह लगा जरा जबान तो बोले मेरे नबी ने गल की थी कहिंदा मा यंत कौन लहवा इन होवा इल्ला वा अगर मैं ऐता पढ़ लगा तो अद्धा घंटा इतें लग जाएगा कह लगा अंदर दाखिल हो मेरे नबी बह गए हुण नाल दे साथी खाना लग पे खान जदों खाना मुक गया खा लिया कह लगा सारे टुर जाओ लेकिन मैं सरा दो लमे नू बहन दे उन्हें कहा मैं नाल रवांगा उन्हें कहा क्यों उन्हें कहा गरीब बंदा को पैसा बनेगा जागी जागी गरीब बंदा मेरा कुमाल बनेगा ए बह गया कौल मेरे नबी नू पूछन लगा मैं इस मौका तेरा नाम की मेरे नबी ने क्या मोहम्मद किड्डा सोना ना यार बोलो ए किड्डा सोना गज के बोलो किड्डा सोना मेरे नबी ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद कह लगा या मोहम्मद मैसरा सोचना दस एदियां अखां है जेड़े सुरख डोरे ने ए गर्मी दी वजह तो है या पहले दिन तो पदेशी मैसरा ने किया शुरू तो ही ने कह लगा अगर नाराज ना हो या मोहम्मद अपनी कमीज उठा के वखा मैं कुछ वेखना चाहना मेरे नबी ने कुर्ता उतां कीता ते लुत्फ नहीं आ रहा कहिंदा मैसरा शाम ना जाई ए आम व्यापारी नहीं हो नबियां दा सरदार ही इनू वापस घिनवां शाम दे लोग दे दुश्मन मैसरा ने किताब लिख के कढ़िया बीबी जिन्हू आम व्यापारी बना के भेजे ये व्यापारी नहीं ये नबियां दा बोलो नबियां दा ये नबियां दा सरदार या अल्लाह खैर ये सवाल दा जवाब दिया क्योंकि मेरा टाइम 14 मिनट बाकी रह गया सलाम दा जवाब दिया जिहड़ा सवाल कीता सो क्योंकि कभी भी जिंदगी च कसूल जेन च रख लो मुकर्रर एक खिताब कर रहे हैं दरमियान च ना टोकिया करो अगर मैं जवाब ने तो कहना इन खुरिशा नहीं सी आउंदा इन्हें लिखिया बिस्मिल्ला कदों नाजल हुई बिस्मिल्ला रोको कुछ कमा बोलो इयो ही पूछिया सो बिस्मिल्ला कदों नाजल हुई बिस्मिल्ला है कि मेरे नबी मेराज तो जमीन ते आए बह जाओ भरा सदके तेरे उठन तो ही तेरे जान तो ही तेरे फिरन तो ही माशाल्लाह मेरा देखो नबी मेराज तो वापस आए
पांच तन पूरे घर बैठे ने, ये नबी है, ये अली है, ये बतूल है, ये हसनैन है। ते बीबी पाक ने कहा, अबू कोई मेराज दी गल ते दस, कोई मेराज दी, तेनू मैं बिस्मिल्ला दसा, ये उतरी कितों? ये मैनू पहला दसिया तो मैं दो घंटे ये ही बोलदा। मेरे नबी बोले, फरमाया फातिमा जो मैं जन्नत च गया राय तो हूरा, मैं एक हूर डिठी। बाबा जन्नत हे ही हूरां दी जगह, फरमाया वो वखरी टाइप दी सी। बाबा दसो, फरमाया मकतूब उन अला जबीन हा, अल्लाह उस हूर दे मत्थे ते अल्लाह लिखिया सी। वाला खद्दे हल ऐमा ने मुहम्मद, उदी सजी गल ते मुहम्मद लिखिया सी। मौलवियो 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 मसीता विचों ते जाके तुसी या मुहम्मद मटा लिया, हूरां दी गल तो किवें मटाओगे? मकतूबन अला जबीने हा अल्लाह, उदे मत्थे ते अल्लाह लिखिया सी। वाला खद्दे अल ऐमा ने मुहम्मद, उदी सजी गल ते मुहम्मद लिखिया सी। वाला खद्दे अल ऐसरे अली, उदी खब्बी गल ते, बोलो तो सही यार, अली लिखिया सी। वाला जकने अल हसन, उदी ठोडी ते हसन लिखिया सी। एक कह के नबी चुप कर गया। बीबी दी अखां चो अथरू आए, जन्नत दी सुल्तान दे इवें पूंज किया, कहते मेरा हुसैन किन गया? नहीं नहीं, तो इस पता नहीं की सुन दियो, मैं तो तुहाडे मसाज तो वाकफ नहीं। मकतूबन अला जबीने हा अल्लाह, उदे मत्थे ते अल्लाह। अला खद्दे अल ऐमाने मुहम्मद, सजी गल ते मुहम्मद। अला खद्दे अल ऐसरे अली, खब्बी उत्ते अली। वाला ज़कने अल पचाई हसन, वाला नारे अल हुसैन शाह, रग ते हुसैन लिखिया। नारे रिसाला, नारे हैदरी। तवज्जो पूरी करी सुन, मत्थे ते अल्लाह, मुहम्मद, अली, हसन, हुसैन। मौलवी जी नमाज पढ़ी दी, जन्नत लब्बे ते जन्नत विच हूरां लब्बन। हूरां ते पंज तनी ने, हूरां ते पंज तनी निकलियां, उन्हां दे मत्थे मुहम्मद, अली। हुण मैनू समझ आई भी मरदियां क्यों नहीं, भावे जट समझो, हुण पता लगदा मरदियां क्यों नहीं। हुसैन दा नां नहीं मरन देंदा, हुसैन दा नां नहीं मरन देंदा। मैं अपने मौजू वल जा रहा करीब, फिर समझ। मत्थे ते अल्लाह, मुहम्मद, हसन, ना 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 ना, अली, हसन, हुसैन। वाला शाफा तैहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ओदे बुल्ला उते लिखिया सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हूर दिया बुल्ला उते लिखिया सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमन हाज़िहिल करामा या रसूल अल्लाह, बीबी ने पूछा मिलेगी किनू? फरमाया जेड़ा तेरे हुसैन नल प्यार करेगा। अगज के कहा सुभान अल्लाह, नहीं अजे मजा नहीं आया। फिर समझ, तू बिस्मिल्लाह ते सवाल किया, सैयद को सोने थे कड़ा कुछ मदीने दे इलम दी खैरात मुक चली है। गोलड़े दे ताजदार नू जान दे, जेड़े जान दे नजर हाथ खड़ा करो। कोई पीर मेरे निशान नहीं जान दे, जे नहीं जान दे ते मैं जिंदगी बढ़ते ही नहीं। इधर पीर मेरे अली शाह बैठे ने, एक पादरी आ गया। गल दी समझ आती भी? वह कहन लगा, सैयद बादशाह मैं ईसाई हाँ, क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, मैं ईसाई हाँ, एक मसला पूछना है। ये मेरे पीर ने इवें डिठा, पीर मेरे अली शाह ने मुस्करा के कहन लगे, मां को सवाल पूछना है, जानता नहीं मैं उस बाप का पुत्र हाँ जिन्हें सलोनी सलोनी पूछो। अली मिंबर ते बैठे ने, ते आपने फरमाया सामने वेख के, सलोनी पूछो। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उन्हें क्या पूछा? मेरे अली ने क्या पूछ? कहिंदा ऐना जिब्राइल फी हाज़िल वक्त, जबरील किथे इस वक्त? नाज़र अल इमामो यमीनन व शमालन फौकन व ताहतन खल्फन व कुदामन। अली ने सज्जे डिठा, खब्बे डिठा, ऊपर डिठा, जमीन अल डिठा, अगे डिठा, पीछे डिठा। फरमाया अंता जिब्राइल, तू जिब्राइल है। जेन चाहिए गल नहीं, पीर मेरा अली शाह साहब फरमा लगे, पूछ। हुण सवाल सुन, ते बिस्मिल्लाह दा सवाल करन वाला, तू ते मैनू पहला पूछिया, मैं सारी रात यही पढ़दा पीए किथे सी ते आई किवें? सुन गौर दे नाल, पीर मेरे अली शाह साहब कहन लगे, पूछ। कुरबान उस कसाई तो भी सवाल भी अजीब ही पूछिया, कहन लगा तेरे कुरान दी आयत है, मैं क्रिश्चियन, ला रतबे वला याबिसिन इल्ला फी किताबे मुबीन, के कुरान च हर चीज का इलम है।
आपने क्या मां ते यकीन है तो शक करना है। उन्हें क्या मैनू शक के उन्हें क्या कुरान ला रैबे मुहम्मद बे ऐबे पुछ। कह लगा सज्जे पट ते हसन खब्बे पट ते हुसैन और मुहम्मद सारी जिंदगी कुरान पढ़ांदा रहा। तू आने कुरान च हर चीज का इलम है। सैयद मैनू ये दस कुरान च हसन किथे, कुरान च हुसैन किथे। इवें बैठे बैठे मेरे पीर ने खलोते पादरी नु पुछिया गोलड़े दे ताजदार ने तुए कुरान जानने। कहिंदा आंद है अपने मुरीदां नू वेख के मेरे पीर ने कहा मां ते कुरान नू नहीं समझ सकना, ये आखना मैनू आना है। मुस्कुरा के कह लगे पढ़ पढ़ इकरा पढ़। वो कहिंदा कित्थों पढ़ा, फरमाया जित्थों दिल करदे ही पढ़। आए हाय हाय लोको सवाल किया जे पर इलम नहीं ना तुहाडे कोल। सुन हुण दसना हसन कित्थे हुसैन कित्थे। आप कह लगे पढ़। वो कह लगे कित्थों पढ़ा, फरमाया जित्थों दिल करदे ही। वो पढ़ो बोलो रब दा नां जे पढ़। उन्हें हुण कुरान कढ़िया। बहुत जस्टिस कारनीलस तुहाडा अंग्रेज जिहड़ा जज सी पूरे कुरान दा हाफिज़ सी, पढ़। उन्हें पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया बस अजागते सही बस। उन्हें क्या मैं ते जे पढ़े ही नहीं, फरमाया 6666 आयतां ने तू एक पढ़ ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो अहले इलम लोग मजा लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्कुरा के गोलड़े दे ताजदार ने क्या एदे अदद जानने है। उन्हें कहते बच्चे ही जानते ने 786, फरमाया लिख बिस्मिल्ला दे अदद 786। फरमान लगे पेन ते कागज कढ़। उन्हें कढ़ लिया, फरमाया लिख इमाम हुसैन। सैयद बादशाह तेरे दादे दी शान बयान कर रहा, लिख इमाम हुसैन। अगे लिख 210। एदे अदद किन्ने ने 210। 4 हिजरी चे पैदा होया, तले लिख 4। ए रिकॉर्ड हो रही है इतों लैके केसट सुन लिया जी। थले लिख 4। उन्हें लिख लिया 4। फरमाया 61 हिजरी च शहीद होया, थले लिख 61। एक करबोबला च शहीद होया, थले लिख 261। अगे लिख इमाम हसन पूरा 200। ये 50 हिजरी शहीद होया, थले लिख 50। जरा टोटल करें, जरा टोटल करें। उन्हें क्या जी 786। फरमाया पादरी आ कुरान दी पहली आयत च हसन भी है हुसैन भी है जम्मन का साल भी है दुनिया चो जान का साल भी है ओए करबला भी है। अजे ते पूरा कुरान पिछे आ, मां कोलो होर की पुछता है। सुन अपने पीर का चेहरा भी वेखो और सैयद को अगली दलील सुन के नारा भी लाओ। सुन फरमान लगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दे अदद। उन्हें क्या 19 ना 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 हरफ 19 19 किन्ने अदद ने बिस्मिल्लाह रहमान हरफ ने हरफ रूफ 19 एक घट भी एक घट भी। मैं 6 महीने तहकीक करता रहा अल्लाह को फरिश्ते मुकदे ही नहीं, इन्हें पूरे भी क्यों नहीं रखे। अलैहि 17 दोजख दे दरबानी 19 बिस्मिल्लाह दे हरूफ भी 19 ने। मैं मौलवियों को पूछया, उन्हें कहा शाह जी इस पारू कि जेड़ा बिस्मिल्लाह दा इनकार करे उन्हें खले मारन वास्ते 19 दोजख दे फरिश्ते रब ने रखे ने। मेरे एक गल जोड़े च ना आई भी बिस्मिल्लाह रहमान नाले रहमान ते रहीम रहीम बने ते नाले खले मारे, ये गल नहीं बनती। अखीर जो पीर मेहर अली शाह साहब की गल सुनी तो मैं कहा सईदा कम तेरा ही है। आपने क्या बोला पादरिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दे हरफ। उन्हें क्या 19, फरमाया कागज ते कलम लेके लिख मुहम्मद। उन्हें लिखिया क्या एदे हरफ लिख 4, थले लिख अली। एदे हरफ लिख 3, 4 ते 3 ये बोलते ही नहीं, 4 ते 3 7। थले लिख फातिमा। एदे हरफ लिख 5, 7 ते 5 12। अगे लिख हसन। एदे हरफ लिख 3, 15। अखीर ते लिख हुसैन। एदे 4, 15 ते 4, 19। रब ने दोजख च 19 फरिश्ते इसलिए रखे ने जेड़ा 5 तन दा मुनकर होवे ओनू लीतर मार। चूंकि तुसी भी थक जाओगे मैं हुण इहदे रुके दा जवाब दियां।
आदम अलैहिस्सलाम जन्नत च आए, एक कुब्बा नूर दा वेख्या, एक उत्ते बिस्म, अगे अल्लाह, अगे रहमान, एक रहीम, बिस्म दे विचो पानी दी नहर, अल्लाह दे विचो दुध दी नहर, अर-रहमान विचो शहद दी नहर, रहीम विचो शराबन तहूर दी नहर, ए बिस्मिल्ला जन्नत फरदौस तो चली। अब बोल बोल, हूरां दियां होंटां तो चली, सारिया तो पहले ए बिस्मिल्ला नाजल होई आदम ते, आदम तो बाद ए नहीं आई, फिर ए बिस्मिल्ला आई सुलेमान बिन दाऊद नबी दे कोल, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सुलेमान नबी कोल आई, और फिर ए बिस्मिल्ला तेरे पाक मुहम्मद कोल आई। होर को हुक्म है वे, तसली होगी दूर, ये रुका कि नहीं दिता सी हजूर, तुहाडी कोई तसली होगी? शुक्र है या अल्लाह शुक्र है। ये मैं तेनू जो मैनू आउंदा मैं तेनू एक दाने बराबर दस्या भी बिस्मिल्ला कित्थे कित्थे आई है, समझ आई है? तक इन्ना वक्त नहीं, और मैं आखिरी गल करके तुहाडे कोलों इजाजत चाहवां, क्योंकि बहुत देर हो गई, पौने दो घंटे हो गया मैनू बोलदियां नू। आखिरी गल सिर्फ एक गल, और उस तो बाद शादी दरम्यान ची मैं छड़ के तुर चलिया, सार रोक के सुननी है, ध्यान, लाइट ना बंद करो भरा, माशाल्लाह। बस सिर्फ मैक्सिमम चार मिनट, ज्यादा नहीं, किन्ने मिनट? चार। एक काफला चलिया शाम च, पहुंच गया बसरे च जिथे माल वेचना सी, बस दो गल्ला निकिया निकिया सुन लो, और फिर मैं छोड़ के तेनू तरसदियां छड़ के टुर जाना। अगे की होया? फिर कोई मौलवी सद्या जो उन्हें पूछया जे काश मैं मिलाद पढ़दा, तुसां चूंकि मजमून ही मैनू यह दिता इसलिए कुछ समझ आई शादी की, अजे तो शादी की नींह नहीं रखी गई। जदों बसरे के करीब गए, मैसरा ने कहा डू डू हो जाओ, किन्ने किन्ने? दो दो हो जाओ, ते इस गली च उस गली च। अबू बकर सदीक अगे आए, इन्हें कहा मैं अपना ही भार चुकागा, मुहम्मद ही चुकागा, मैनू एदा साथी बना। मैसरा ने कहा ना, अगर मैं इनू तेरे नाल टोर दिता ते मेरे नोट पता नहीं बाजार च की बनना है। मुखसर इना सदीक अकबर ने एक बोरी अपनी चुकी है, क्या यारे गा रहे होए, एक पाक रसूल दी चुकी है, बस हजूर एक मिनट बाबा जी बह जाओ, बाबा जी ये नोट ही सारा दिन छापी देने, सारा दिन इन्ने इन्ने एडवांस लई देने, इन्ने इन्ने कसम जात दी परवाह नहीं इन्हां दी, कदी कीती मेरी गल सुन, ये लै जाने अगर हूं चल जाना चाहते हैं तू मैनू बोलन दे, तवज्जो। ए अगे अगे मेरा नबी है, पिछे पिछे अबू बकर सदीक है, उदू पिछे आ, बस दो तीन मिनट, इदू पिछे आ मैसरा, अगे एक तजारत करने वाला ताजर दुकान च बह के अपने नोट पे गिनद, गिनदियां गिनदियां दी यकदम बाजार चो गुजरन वाले मुहम्मद ते नजर पई, तवज्जो, नोट डिग पे, सुर छड़ दी थी मैं, गल मुकान लगा, नोट डिग पे, नोट डिगे, अपने पोतर नू कहिंदा एड़ा लंघ गया ने नू बुलाई, सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला नू कहन लगे मेरे नाल गल कर, उन्हें कहा ना मैं क्या उन्हू बुलाओ, सदीक अकबर ने कहा सानू जल्दी ऐसी माल वेचना, कह लगा सारा मैं रखदा, उन्हू बुलाओ, उन्हू बुलाओ। इमाम उलंबिया आए, इंज चेहरा पे वेख दिया, अबू सदीक कह लगे गल कर की वेना पिया, कह लगा वेंदा मैं ए हां इहदा चेहरा, जिन्हें पैसे मंगदे हो लै लो, ओए समान छट्टा खोल के भी ना वेख, वेच की वेख के मैसरे नू कहिंदा इहनू वापस ले जा, इहनू डबल मुनाफा होया, जिथे मैं तकरीर लगा छोड़न, वापस मोड़ आए तार शार्ट हो गई जी, वमा मैं लगा सी वमा मैं लिबन, मैं जेड़े चौके छोड़ना चौक ते आ लंदे, बह जा यार एक मिनट, तेरी बड़ी मेहरबानी, बदमस्की कर रहे हो, कोई रुकी है? बिस्मिल्लाह जी, या अल्लाह खैर, अच्छा जी माल है ओ मैसरियां को मेरे ही तो नंबर बनन रहे हैं, एदे एदे एदा सदका दे खाई दा कसम रब दी, यकीन असा इत्थे ही पेने आ, बोलो उत्थे ही पेने आ, हुण देख पकाई होवे ते पीर इहनां नूं को कवे कि अली बाबा साईं सरकार इहनां नूं लंगर वरताओ, ते हजूर लग पैन वरतान, ते चार बंदे रुस के ओ खलो जाना, असां पीर कोलो नहीं लाउणा, इवें काफला मदीने टुर जाए उत्थे फिर पीर अली लंगर वरतान, जिन्हां शो दे इत्थे नहीं लिया, नहीं नहीं गल मेरी मुकी नहीं, मेरी गल मुकी नहीं, असी मुहम्मद ते अली दे पेने हैं या नहीं, हशर दे मैदान च आवाज होनी है
अलतश कुर्सी ते मुहम्मद जाम अली दे हाथ च असी दौड़ांगे इत्थे रख असी तेरे बच्चियां दे उत्थे ही पेने इत्थे पेने इत्थे रख जिन्ना शो दिया इत्थे नहीं मंगिया जागो केड़े मुंह नाल मंगणगे उत्थे जाके आखरी गल एक काफला वापस मुड़िया बस दो लमे सुन लो मैं जिथे छोड़ के चलिया को आलम सद के अगे सुनिया जे काफला वापस मुड़िया एक तीन दिन की मुसाफर उत्ते काफला रुकिया असूल ये सी अजे ते मंगनी नहीं हुई असूल ये सी जदों मुनाफा ज्यादा होवे ते अरबी लोग राज उस मकाम उत्ते जशन मनांदे बीबी नूं पहले रुका लिख के भेज दे भई ए इन्ना मुनाफा होया ते ओ जिहड़ा काफले वाला बंदा रुका लैके जांदा ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਊਠ ਵੀ ਇਨਾਮ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੂਟ ਵੀ ਇਨਾਮ ਚ ਦਿੰਦੀ 1000 ਦਿਰਹਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਅਬੂ ਲਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਮੈਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੋ ਚਮਲੋ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ ਬਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਛੋੜਨ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ इमाम उलम वो कहन लगा इस राह का पता नहीं राह भूल जाएगा तीन दिन की मुसाफर ने कहा पागल दे पुत्र हो जिदे अगे शेर सजदे पकर दे जेड़ा ला मकान ते जावे ते राह ना भूले ये राह लगा भूलन बस आखिरी फिक्रा इमाम उलम बयान तैयार करके रुका लिख के दिता उन्हें फिक्रे आखिरी सुन मैं दिल दिया दिल च लैके टुर चया मेरे नबी उड़ते बह के कला मेरा रसूल चलिया अल्लाह ने क्या या तो हल मलाओ एकाती अखलू मुसल्ला समावती व अमेरु वर्दी ओ फरिश्तो आसमान खाली कर दियो तस्बीहां सुट दियो मसल्ले लपेट लो जमीन ते वेखो मेरा यार बपारी बन के ऊड़ चलांदा किड्डा सोहना लगदा है मेरा नबी चलिया या लथक होया रसूल अल्लाह ने हवा चलाई मेरे नबी सौ गए शैतान ने ऊट दी मुहार खिंची ते गलत राह ते पाता अल्लाह ने कहा जबरील ए दे मुंह ते थप्पड़ मार और हुण तेरी तेरे जुम्मे आए सने ऊट मुहम्मद नु चुक ते बस सिर्फ चंद कदम दे फासले ते ऊट रख बा आखिरी जुमला बीबी पाक अपने चबारे ते चढ़ के बैठी हुसैन दी नानी आपने क्या नी नफीसा बड़ी मुद्दत हो गई मेरे काफले वालों कोई नहीं आया आजरा चबारे ते चढ़ के आपा रात तक शायद कोई मुसाफर आंदा होवे बीबी दी नजर पई शाम वाले रात एक ऊट दा सवार सिर ते छत्तर झुलदा आंदे दो परिंदिया ने साए कीते होए ने बीबी दूरों वेख के पहचान के कहंदी है नी नफीसा पहचान ए ऊठ वाला कौन है मुस्कुरा के नफीसा ने कहा बीबी अगर नाराज ना हो जिदा इंतजार करने वास्ते चवारे ते चढ़ के राप उड़ीक दिए मालूम होंदा मोहम्मद दा ऊठ अगों की होया काफले च आके मेरा नबी किवें शामिल होया किवें मेरे रसूल ने बीबी दे कोल आके हाजरी दी निकाह किवें होया दो घंटे हो गए यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन खुश हो वक्त जाया होया या कुछ समझ आई अल्लाह ताला दी जात तुहाडे पीरां दा साया तुहाडे सिर ते कायम रखे तुसां ही खुश रहो ये आस्ताना आली है मेरी जिंदगी दी बिल्कुल बह जाना भाई हुसैन नूं मन्नण वाले सारे बह जाओ जिहड़ा इहनां दा प्रोग्राम है वह स्टेज सैकटरी साहब ऐलान करनगे और उस तों बाद इहनूं मजीद अगे चलाओगे और एक हजूर वाला शान अगर इजाजत दियो ते मैं एक बह ओ ओ ओ हरी पग ओ बह जाओ भाई जेड़े हुसैन नूं मन्नण वाले ने बह जाओ जेड़े मुनकर हो खड़े रहो सवाए इन्हां वीडियो वालियां तों ते इन्हां तों लाइटां तों मैं एक गल करना चाहना देखो इन्नी देर हो गई मैनूं तकरीर कर मौलाना मेरी गल सुनो मेरे अल तवज्जो करो और मैं जेड़ा फिकरा बोलना है इहदा तल्लक तुहाडे पीर नाल है हुण तकरीर ते खत्म हो गई ना सुन तवज्जो मेरे अल कर एक बंदा मंडी दे बूहे ते जाए मेरा ध्यान करो जी और एक गलिया होया अंब गलिया होया मंडी दे बूहे ते पिया होवे बच्चा उसनू चुक लेगा बोलो ठुड्डा मार के लंघ जाएगा उठांदा मेरी गल गौर ना सुने कि नसीहत लगा कर तुहाडे पीर दी मौजूदगी च उहनू ठुड्डा मारेगा गुजर जाएगा एक सियाना बंदा मंडी दाखल होया एक पेटी अंबा दी दई उहने उत्तों पट्टी लाई सोहणे अंब थले दो तीन गले होए ने उह कहिंदा ओए इह मैं नहीं लैणे मंडी वाला कहेगा गल सुन लैने नहीं तो लै नहीं तो चल मैं नहीं बेच पाए पिछों लग के आए ने मेरी गल तू अपड़िया नहीं मैं जिथे जाना चाहना
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਚੰਗੇ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੇਟੀਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਤਬੋ ਲਖਤਾਬ ਆਏਗਾ, ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨੌਸ਼ੋ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਫਰੀਦ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤਾ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਕੁਤਬੋ ਲਖਤਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੋਲ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀਓਂ ਬਾਹਰ ਏ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਪੇਟੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਨਮਾਜ਼, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਆਖ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਸ਼ੁਜ਼ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਵੁਜ਼ੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲੀਤ ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਲੀਤੀ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਏ। ਓਏ ਪਲੀਤੋ, ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਤੀ ਛੁੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਰਸੂਲ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ 72 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹਾਨਾ ਰੱਬੀ ਆਲਾ ਆਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭੇਜ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਅਜਾਗ ਅਜਾਗ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਉੱਠਣ, ਨਬੀ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ? ਖੁਤਬਾ। ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗਣ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਛੱਡਿਆ, ਦੌੜਿਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਤਰਾ, ਇਹ ਨਾਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਵਕੂਫੇ ਚਗਲ, ਇਹ ਆਪੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਸੂਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੱਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਰਸੂਲ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ, ਹੁਸੈਨੋ ਮਿੰਨੀ ਵਾਨਾ ਮਿਨਾਲੂ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਪਾਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਐਤਾ ਨਿਕਲਣ। ਓਏ ਰਸੂਲ ਸਪਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਫਿਕਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ, ਅਯੋ ਹੰਨਾਸ, ਲੋਕੋ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਹਾਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ, ਆਰਿਫੂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਮੁਹਿੱਬੋ ਅਨਾ ਜੱਦੋ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਜੰਨਤੀ, ਜੱਦਾ ਤੋਂ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਜੰਨਤੀ, ਉਮੋ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੰਨਤੀ, ਅਬੂਓ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੰਨਤੀ। ਤਵੱਜੋ, ਫਿਕਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਖੂ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜੰਨਤੀ, ਉਖਤੋ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੰਨਤੀ, ਮੁਹਿੱਬੋ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਨਤੀ, ਵਾ ਮੁਹਿੱਬੋ ਮੁਹਿੱਬੀ ਹੈ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਨਤੀ। ਸਈਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਈਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ, ਜੇ ਔਰਤ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ? ਬੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਜਦ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ,
वसदे रहो, उन्नी देर तक जिंदा रहो जिनी देर तक जिंदगी तो आवाजार ना हो जो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سلام پڑھے جائے گا اس کے بعد تمام دوست بھائی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے سائے میں آسی گناہگار چھپے حشر میں جن کے سائے میں آسی گناہگار چھپے حشر میں ایسے رحمت تو عالم پیلا فا جانے رحمت پیلا یا الہی
سلام آج زنا ہو قبول. آمین یا رب العالمین. مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہو الحبیب الذی ترج شفاعت لکل خول من الاقوال مقتحمی. بار الہ تیرے محبوب دا ذکر خیر کیتا گیا, محبوب دی شادی پڑھی گئی, محبوب دے نواسیاں دی موجودگی چ الہ العالمین بیان کیتا گیا. اس محفل نو جنہاں دوستاں نے دا اہتمام کیتا انہاں دے مال جان اولاد رزق علم حلم کاروباری برکت پیدا فرما, میرے مال قبول فرما. الہ العالمین اس آستانے نو آباد و شاد رکھ. قطب الاقطاب دی اے نوخیزہ کلی الہ العالمین نظر بد تو بچا. علی بابا سائیں دا سایہ مریداں دے سراں تے تا دیر قائم و دائم رکھ. اگر کوئی بے اولاد اے الہ العالمین صدقہ انہاں سیداں دا او دی چولی نیک اولاد دے نال پر کر دے. اگر کوئی بے روزگار اے رب العالمین روزی عطا فرما. اور سیدھی جی بات, مدینے جان نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ, بلا لو روزے تے حبیبی یا رسول اللہ. نانو نسلو کا زیادہ تن فل علم, صحتن فل جسم, برکتن فل رزق, طولن فل عمر, توبتن قبل الموت, راحتن اند الموت, مغفرتن بعد من نجات من النار, خدول بل جنہ, مال ابرار یا عزیز و یا غفار. الہ العالمین اس محفل نو شرف قبولیتنا نواز. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابی و ذریاتی اجمعین برحمت گیا. بھائی سارے دوست مل کے ایک دعا منگو. اے بزرگاں نے کیا ہے, اس آستانے دا صدقہ بہت بڑی ہستی ہے رب العالمین. انہاں نے ایک دوست دے بارے دسیا کہ انہاں دا نقصان ہو گیا بہت سارا. رب العالمین مہربانی فرما, انہوں آشکارا کر اور او دے اس نقصان دی تلافی فرما. میرے مالک تو دلان دے پیجانا لان, جو نیک دعاواں لے کے سارے دوست کھڑے نے تو دلان دے پیجانا, میرے مالک سارے دیا خواہشاں پوریاں فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد والی و صحابہ. سارے دوست بھائی بیٹھ جاؤ, اتھے ہی بیٹھ جاؤ, تبرک لے کے جانا ہے, کوئی بندہ آگے ہونے کی کوشش نہ کرے. بڑی مہربانی, اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ. پانی پی لو, پانی پی لو.